स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। यहाँ पर निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि निफ्टी में यहाँ से फॉल हुआ था, देन अचानक राइज आया, मतलब यहाँ पर पूरा रिजेक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग एकदम, फिर से ये लेवल पर आया जहां से शॉर्ट हुआ था। अब यहाँ पर जितने भी गैप अप्स लग रहे हैं या जो कैंडल्स ऊपर जाने की कोशिश कर रही है उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब यहाँ पर पीछे कोई तो भी बैठा है जो ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको जस्ट वेरीफाई करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में पुराना एक इंडिकेटर जो यूज करते थे उसी को यूज करेंगे। जस्ट चेक करते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इंडिकेटर्स में क्या पता, अभी मैं काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पर डाल के देखता हूँ है कि नहीं। हो अप डाउन वॉल्यूम का जो इंडिकेटर यूज करते थे, अगर नहीं मिला तो छोड़ दो, फिर कुछ नहीं करते आता। ट्रेडिंग व्यू मेरे अकाउंट से खोल के देखता हूँ, इसमें सेव होगा। यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या इंडिकेटर्स में, सेव वॉल्यूम अप डाउन, ओके यस यहाँ पर आ गया। ये इंडिकेटर्स में एक चीज देखी जाती है नीचे, आप देखना यहाँ नीचे, यहाँ पर वॉल्यूम के बाहर से ऐसे क्यों दिख रहा है क्या पता, बट जैसे ये इंडिकेटर फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। बार्स काफी बड़े दिख रहे हैं, अब देखो इसको छोटे हो गए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेता हूँ, यहाँ से और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ऊपर वाले इसमें ऑटो कर लेता हूँ, और अब टाइम फ्रेम भी बड़ी कर देता हूँ। बड़ी टाइम फ्रेम पे 75 मिनट्स तो ले नहीं रहा है, 1 आवर ले लेंगे, 1 आवर ले लिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इनका डिफरेंस हम लोग को दिख के आ रहा है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 16 मिलियन का बाइंग दिख रहा है और उसके अगेंस्ट में 8 मिलियन का हम लोग को सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो बाइंग की बड़ी कैंडल दिख रही है, सेलिंग की छोटी कैंडल। इससे पहले वाली कैंडल पे रखू तो यहाँ का भी मामला हम लोग को कहाँ दिखेंगे, हम लोग को इस तरफ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर जो छुप रहा है ना ये, मैं इसको हटा थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ये देखो यहाँ पर देखना है हम लोग ने। जो भी कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा उसका डेटा मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है इधर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इनेबल कर लेता हूँ कर्सर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, ठीक है, ये जो भी वॉल्यूम्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इसके अगेंस्ट में मुझे ऊपर एक ये डब्बे दिख रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स के डब्बे, ठीक है। इनके कलर्स को देखना है बस, यहाँ पर नीचे ये सब कैंडल्स को देखना है, हम लोग वॉल्यूम ज्यादा किसमें आया, मतलब बाइंग में आया कि सेलिंग में आया है, इसको देखना है और ऊपर की कैंडल को देखना है, तीन चीजें हम लोग को देखनी है, ठीक है। और इस बीच में प्रेडिक्शन करना है, प्रेडिक्शन क्या करेंगे, लेट सपोज मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे ये चीजें मुझे दिख रही है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, कि निफ्टी में गैप अप्स भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, बट यहाँ पर कैंडल का कलर कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर कैंडल का कलर ऐसा दिख रहा है और नीचे ग्रीन दिख रहा है, आ रही बस समझ में, या लेट सपोज कि मैं ऐसा बोलूँ कि कोई गिरता हुआ मार्केट है, यहाँ पर दिख रहा है क्या हम लोग को, ये वाला ले लो, कौन सा वाला जिसमें अच्छे से बन रहा हूँ, ये मामला अपोजिट होना चाहिए चीजें, अपोजिट कैसी, जैसे कि ये रेड कलर का बन रहा है और यहाँ नीचे वाला जो वॉल्यूम का डब्बा ही हम लोग को दिख रहा है ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है। तो इसको ये समझा जाता है कि भाई गिरते हुए मार्केट में कोई चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होकर हम लोग यहाँ पर नीचे दिख जा रही है, ठीक है। और उसके बाद में एग्जैक्टली क्या होता है कि मार्केट गिरता नहीं है, ये जो है इसके हिसाब से ऊपर चलता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे कि मार्केट गिर रहा था, रेड बना, देन ग्रीन बना, बट यहाँ पर रेड है, यहाँ पर तो एब्जॉर्ब हो गया था थोड़ा सा, बट यहाँ पर और कहाँ से हम लोग इसको समझे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये चीजें कभी कभी समझ आती है, हर बार हम लोग इसको देख के नहीं समझ सकते, कभी कभी समझ आती है, सिर्फ इसमें कलर को हम लोग को पहचानना होता है। टॉप पर अगर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है और यहाँ पर नीचे रेड आ रहा है, लेट सपोज टॉप पर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है और हम लोग बोले कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, बट यहाँ पर नीचे उसका अगेंस्ट में रेड हो जा रहा है,
तो वो बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इन फ्यूचर इसका ये होने वाला है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं समझ आ रहा डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को, क्योंकि ये रेड रेड बन रहे हैं, एक ग्रीन रेड, दोनों बन रहे हैं, दोनों टॉप पर बन रहे हैं, ठीक है। तो टॉप पर हम लोग को यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं ट्राई करूँ 15 मिनट सर भाई, यासर भाई, अब, इसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेटेजी ये दिख रही है अपने को, इन्वर्टेड हैमर गैप अप ओपनिंग, और इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक कर दिया उसने, तो इन्वर्टेड मोस्ट हैमर का हाई प्रोबेबली ब्रेक कर मतलब दिया डेली पर, हाँ ये वाला हाँ 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 ये दोनों लास्ट के दोनों कैंडल देखो, तो मेरे इन्वर्टेड हिसाब हैमर से। वाली नवाज भाई, इसको अपन इतना इन्वर्टेड में ना डाल के बेस कैंडल में डाल सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी भी बड़ी नहीं है, जरा भी बड़ी नहीं है, बेसिंग टाइप की है ये, अच्छा समझ रहे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सम हाँ हाँ जैसे ये एकदम प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंस इसका देख के आ रहा है कि एकदम प्रोमिनेंट है, ठीक है, ये वाली। इसके अलावा और कोई अपन बराबर देखे तो क्लियर दिख के आती है, मतलब इन्वर्टेड है। जैसे ये वाली देख लो, ये वाला, ये जो कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली, टॉप पर बनी है। बट इन्वर्टेड में ऐसा भी होता है कि हाँ भाई रिएक्शन आता है, कभी नहीं आता है, कभी सेंटर में भी बन जाती है। जैसे ये सेंटर में बन गई, हैमर बन गई है इन्वर्टेड बराबर डिस्प्ले, टॉप पर बनी तो सिग्निफिकेंस होता है उसका कुछ ना कुछ। यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर हम लोग को रिजेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू से कुछ हिंट मिलती है क्या नहीं। अगर मैं 10-15 मिनट पे ट्राई करूं बस ये पहचानने के लिए छोटा छोटा कि यहाँ पर ऑर्डर एब्जॉर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे, बस इतना पहचानने के लिए। हैंग हो गया क्या है? आमतौर पर छोटी टाइम फ्रेम में ये चीज देखी जाती है, छोटी टाइम फ्रेम में, इसलिए मैं डेली ना रखते हुए 10 या 15 मिनट ही रखना चाहता हूँ ताकि इसमें कुछ समझ आए। यहाँ पर कहाँ गया अपना इंडिकेटर, वॉल्यूम अप डाउन, ये वाला केस थोड़ा सा ले सकते हैं हम लोग। कौन सा वाला? ये वाला केस, मार्केट गिर रहा था, जैसे ये वाला केस ले लो, हैमर बनी यहाँ पर, मार्केट गिर रहा था। यहाँ पर देखो ऊपर कैंडल का कलर ब्लैक रेड है और नीचे ये जो बन रहा है ग्रीन कलर का डब्बा बन रहा है, तो यहां से नीचे नहीं गया, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है ये हम लोग को, थोड़ा सा यहाँ से इंडिकेट हो रहा है ये वाली पोजिशन पर, ठीक है। ये वाला केस भी ले लो, इन्वर्टेड हैमर कंप्लीट तो नहीं बोल सकते इसको, बट मार्केट गिर रहा था ये हम लोग को दिख रहा था, बट नीचे इसका कलर ग्रीन हो गया, ये डब्बे का कलर हमारा ग्रीन हो गया, ये छोटे छोटे डब्बे हमारे बने यहाँ पर, तो इसके बाद से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। एक हल्का सा इंडिकेशन के लिए, मोमेंटम इंडिकेशन के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि वॉल्यूम अप डाउन में क्या हम लोग को डिफरेंसेस आ रहे हैं और इन फ्यूचर इसका ट्रेंड क्या हो सकता है। अभी फिलहाल तो यहाँ पर देखो रेड कलर है, ये रेड कलर है और ये ग्रीन बन रहा है। फिलहाल का मोमेंटम हम लोग यही लग रहा है कि ऊपर जाएगा, फिलहाल का छोटा छोटा मोमेंटम हम लोग देखे तो यही लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बट ये जो रिएक्शन है ना छोटा मोटा नहीं है। अब इसको भी देख लो जरा, अगर हम लोग प्राइस एक्शन की जहां बात करते हैं, गैप अप ओपनिंग हुआ, इतना बेकार फेंके गया ये मार्केट, मतलब यहीं से हम लोग को समझ में आ रहा है, इससे पहले भी यहां से रिवर्स, इससे पहले भी यहां से रिवर्स, पहले भी यहां से रिवर्स, गैप अप के लिए ट्राई किया फिर भी यहां से रिवर्स, और डेफिनेटली एक चीज तो इंडिकेट होती है यहां पर कि भाई यहां पर कोई तो बैठा है यहां पर जो अपने हिसाब से चलने नहीं दे रहा है, आ रही बस समझ में। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। अब ये इंटायर टाइम फ्रेम पे काम करती है नहीं करती है हम लोग को देखना। अब निफ्टी ने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था, बट इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट बोलेंगे ही नहीं इसका, तो मैं यही समझ में आ रहा है मुझे कि यहाँ से जो वोलेटिलिटी आई थी मार्केट में गिरने की, उन लोग का यहाँ जो भी है वो लेवल आ चुका है, ठीक है। अब ये लेवल ब्रेक हुआ तो बात बहुत अलग है, ये लेवल ब्रेक करना एकदम अच्छे से डेसिसिव ब्रेक जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर निफ्टी कर देता है तो चलो ठीक है, ये चैनल से निकल चुका है, अब इसकी स्टोरी ऊपर की रहने वाली है ये लग रहा है, ठीक है। सेम चीज हम लोग और थोड़ा इंडिकेट करेंगे यहाँ से इंडाइसेस में जाके, इंडाइसेस में ओवरऑल इंडाइसेस क्या बता रहे भाई, ये भी थोड़े से चार्ट से हम लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े इंडाइसेस जो होते हैं, अभी कौन सा अच्छा चल रहा है रियलिटी का देख लेते, छोड़ देंगे बैंक को थोड़ा देख लेंगे हम लोग इसमें। रियलिटी ने वही क्रॉसिंग दे दिया है, लग ही रहा है कि बेसिंग के ऊपर निकल चुकी है कैंडल, मतलब ऊपर जाने की तैयारी किसकी दिख रही है भाई, रियलिटी की दिख रही है। इसके पीछे का एक इंडिकेशन और भी है, रियलिटी क्यों भागेगा, क्योंकि मोदी सरकार जो आई है, या हम लोग बोलेंगे एनडीए की सरकार जो आई है, तो एनडीए की सरकार के बाद में हम लोग को ये चीज तो पता ही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें रियलिटी एक हो गया, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चलने वाले अच्छे से, तो वो बेसिस पे ये ऊपर निकलने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। आईटी यहाँ पर हम लोग क्या इंडिकेट करती दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भाई निकल चुका आईटी, काफी ज्यादा बेसिंग बनेगी फिर से निकलेगा या तो हम लोग को लगी रहे, ठीक है।
ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि आईटी निकल रहा है। देन यहां पर हम लोग को थोड़ा सा ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर्स को देखना चाहिए। अब इन लोग ने इतना बार फिलहाल तो किए नहीं है, इन लोग ने फिलहाल इसका मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है कि यहां तक जाने तक और यहाँ पे रिजेक्शन भी बाकी आना, तो इसको तो हम लोग हाईलाइट नहीं करते इतना। ऑटोमोबाइल्स जा सकते हैं ऊपर, क्योंकि ये भी थोड़ा था उन लोग के सिनेरियो में कि ये जाएंगे ऊपर। यहाँ पर शायद पुराने इसमें हम लोग ने थम अप दिया था इसको कि ये शायद ऊपर जाएगा, ये भी हम लोग को लग रहा है। स्क्रीन चले गई, रिस्टार्ट किया। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन आ गई है क्या वापस? नहीं आई, नहीं दिख रही है भाई। स्क्रीन अब आ गई है, मेरे बाबा ये आ गई है। ओके आई ना, चलो ठीक है। तो ये तो दो तीन सेक्टर्स हम लोग इंडाइसेस में जा जाके देख रहे थे कि हम लोग को मोमेंटम के हिसाब से लग रहे हैं कि ये पॉजिटिव जाएंगे। इन लोगों का जो भी था, कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, वो बेसिस पे हम लोग को थोड़ा मोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी भी देख लेता हूँ मैं। एनर्जी ट्राई कर रहा है यहाँ तक पहुंचने का, बट फिलहाल छोड़ दो इसको। इंफ्रा देखना है, यस इंफ्रा भी यहाँ तक पहुंच गया है, देखते हैं इसको। ऑलरेडी इतना तो भागा है, देखते हैं अभी यहाँ पर इसको ब्रेक करता है नहीं करता है। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो अब तक ब्रेक नहीं हुए हैं कहीं ज्यादा। मान लो हम लोग इंडाइसिस की बात कर रहे थे, बहुत सारे इंडाइसिस के ये लेवल ब्रेक नहीं हुए। तो हम लोग तो एक ही चीज समझते हैं ना कि सप्लाई के करीब जब मार्केट जा रहा है तो कोई बाइंग नहीं करनी है, और अगर डिमांड की तरफ जा रहा है तो बाय करना है। ये चीज हम लोग को पहले से अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाले केस में ले लें हम लोग कि यहाँ पर डिमांड की तरफ मार्केट जा रहा था तो यहाँ पर बाइंग आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझ आती है। फिलहाल जब तक ब्रेक नहीं करता हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेते, सप्लाई डिमांड के बीच में हम लोग खेलते हैं। इसी बीच में हायर हाइज बनाते हुए मार्केट जा रहा है तो छोटी टाइम फ्रेम पे हम लोग को डिमांड जोन्स मिलेंगे, उसके रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 75 मिनट्स पे आता हूँ, तो यहाँ पर जो भी डिमांड्स है मुझे अच्छा प्रोमिनेंट लग रहा है, जिसमें लेगआउट अच्छा बड़ा बना है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर आने देते हैं मार्केट को, और वहां से टप्पा खा के निकलता है मार्केट ऊपर। ठीक है, तो कोई भी मुझे यहाँ पर दिख जाए, जैसे ये 3 बेस कैंडल का है, रैली बेस रैली वाला, तो यहाँ पर करीब में टच करके मार्केट ऊपर निकलेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो छोड़ो इसको। अभी यहाँ पर आते हैं हम लोग स्टॉक एज पर, डिलीवरीज की बात करते हैं कि कहाँ पर डिलीवरीज आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने सेक्टर रोटेशन में जाके डिलीवरीज में इंडस्ट्रीज को देखा है, सेक्टर्स को ना देखते हुए मैंने। लेट सपोज के मैं 13 तारीख नहीं, मैं एक दिन पहले आया हूँ, 12 तारीख, और मैं इंडस्ट्रीज में आ रहा हूँ, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि क्या मामले चल रहे हैं। जैसे कोई एक सेक्टर मेरे को नया दिख रहा है यहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। हम लोग को ये चीज पता है कि भाई यहाँ पर अभी एडमिशंस के टाइम शुरू होने वाले, और इंस्टीट्यूशंस वगैरह के जो टाइम होते हैं पीक के, वो यही होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको टेस्ट करता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें थोड़ी सी स्टडी करता हूँ मैं। तो यहाँ पर डिलीवरीज वगैरह इसमें कुछ आ रही है, बट इससे इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक चीज देखनी है यहाँ पर कि इसका ब्रेथ कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने में एक चीज समझ आ रही है कि इसमें जो ब्रेथ है वो बढ़ते जा रहा है। देखो धीरे धीरे, ये देखो 64 वाले 70 की तरफ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर 47 48 वाले 70 की तरफ पहुंच रहे हैं, 60 की तरफ पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग को दिखना शुरू हो रही है, तो ये सेक्टर में आ रहा है भाई मोमेंटम। अब ये सेक्टर्स के गेनर्स क्या भाग चुके हैं क्या ऑलरेडी? तो गेनर्स पे आ रहा हूं मैं, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि 1 वीक का डेटा देखता हूं मैं, तो करीब करीब इतना भागे एवरेज इन लोग भाग चुके हैं 1 वीक में 20%, 19%, 16% इन लोग भाग चुके हैं। ठीक है, लूजर्स तो इतने है कि नहीं देखते हम लोग, एक ही है जो ज्यादा लूज हुआ है, बाकी नहीं है कुछ, है ना। ऑल स्टॉक्स में जाएंगे हम लोग,
और कोई ना कोई हम लोग चाहे तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जिसको हम लोग पकड़े और अगर ये अच्छे निकलते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा निकल चुका है, मतलब 1-2% के खेल में ही थोड़ा निकल चुका है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि 4% वाला जो दिख रहा है आयरनवुड एजुकेशन वाला, इसको मैं थोड़ा देखता हूँ। दिस इज जस्ट ए ट्रायल है, हम लोग खाली ट्रायल कर रहे हैं, सीखने के टाइम चल रहे, जो जिसमें 4-5 साल इंसान लगा लेता है, बाद में अपना खुद का सेटअप बना लेता है। तो यहाँ पर लग रहा है भाई सबको कि ये अब ये रेंज में से निकलने के लिए रेडी हो चुका है, ये डोजी ने सिंबल दे दिया है, ये आई थिंक अपर सर्किट ने सिंबल दे चुका है, ये रेंज में से निकलने के लिए रेडी हो चुका है। ये रेंज को देखे तो काफी लंबी है, क्लियर हम लोग को दिख रही है, सर्किट इससे पहले लगे थे क्या? नहीं लगे थे, फिर भी थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, अगर सर्किट लग भी गया है तो मिलता है अगले दिन या 1-2 दिन बाद मौका कभी ना कभी एंट्री बनाने का, तो इसको हम लोग वॉचलिस्ट में डाल सकते हैं नेक्स्ट वीक के। इसमें पुरानी भी कुछ वॉचलिस्ट के स्टॉक से जो हम लोग देख लेंगे कि कहां तक भागे भाई, कब हम लोग ने बनाई थी वॉचलिस्ट, आई थिंक 1 महीने पहले, तो फिलहाल कहां पर थे अभी कहां पर है ये थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टॉक मिल रहा है हम लोग को सही पोजिशन पर, जिसमें काफी कंसोलिडेशन के बाद में ये हाथ में लग रहा है अभी, ठीक है। अभी यहां पर कुछ और, यहां पर यही देख लेते हैं हम लोग, 1.6 वाले और ये 1.2 वाले, इन लोगों को भी थोड़ा देख लेते हैं। एमटी एजुकेयर, एकदम नीचे की पोजीशन पर है, पैनी स्टॉक जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, सपोर्ट ले चुका है, इससे पहले भी लिया था अभी भी ले रहा है, तो सपोर्ट के एरियाज में है, सही से निकला है नहीं निकला है अभी तक, ब्रेकआउट वगैरह कोई चीजें दी नहीं है, लेना है एसएल के साथ हम लोग इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट मोमेंटम में दिख रहा है ये वाला स्टॉक, और हम लोग पहले इस पे नजर बना के रख लिए है, इसमें बस एक चीज है कि लिक्विडिटी कम है, सर्किट्स लग जाएंगे इसमें भी, ज्यादा लिक्विड स्टॉक है नहीं, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी इसमें, चाहे अपर सर्किट लगे लोअर सर्किट लगे ये सब खेल चलते रहेंगे इसमें, बट निकल गया तो बहुत ऊपर निकल सकता है। पैनी स्टॉक है काफी नीचे के प्राइस पर है, ये एक दिख रहा है हम लोग को, चलो इसको ले लो। इसके बाद 1.8% वाला जो भी था, कौन सा था ये, ट्री हाउस एजुकेशन, यस ये निकल गया है भाई, और एकदम सही तरीके से निकला है, ठीक है, सही पोजीशंस बना के चार्ट वगैरह सब चीज अच्छे से हम लोग देख रहे हैं, तो एकदम सही तरीके से पूरा W का ब्रेक करके डबल बॉटम करके निकला है ये वाला स्टॉक, मे बी ये बेसिंग हो रही होंगी और इसके बाद में बड़ा ब्लास्ट रहेगा, और यहाँ तक टच कर लेगा, हमारा टारगेट तो ऊपर का ही रहेगा, तो मैं सीधा वीकली पे आता हूँ, और वीकली पे हम लोग सीधा इसका टारगेट बना लेते, सीधा टारगेट सप्लाई रहेगा कुछ और नहीं, हमारा एंट्री यही होना चाहिए, डिमांड जोन होना चाहिए जो भी हम लोग ले रही है, डिमांड जोन रख ले रहा हूं मैं, अच्छा स्टॉक है लेने जैसा, अच्छा प्रॉफिट कर बना के दे सकते हैं हम लोग को, सही पोजीशन से निकल रहा है ये, इसको अगर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर हमारी एंट्री कहीं तो भी एग्जिट सब छोटी टाइम फ्रेम से लेना चाहिए हमें। और छोटे डिमांड जोन्स वगैरह ये सब भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ये जो भी हम लोग मिलते हैं नीचे, तो मेन चीज है कि बड़े डिमांड जोन में छोटा डिमांड जोन हम लोग खींचना है एंट्री के लिए एग्जिट के लिए, ये सारी चीजें हम लोग करनी है, तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें, तकरीबन कितने परसेंटेज का, 43% का, मतलब 40% के करीब का प्रॉफिट इसमें हम लोग को हो सकता है, इसको डाल रहा हूं मैं ट्री हाउस, बस सेक्टर घुमा के दूसरा वाला देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइसिंग आ रही है कि नहीं आ रही है हम लोग को देखना है बस, तो वही देखने के लिए एक एक करके क्लिक करना है हम लोग को, इसमें कोई भी सेक्टर उठाना है, ब्रेथ देखना है उसका किस में मोमेंटम आ रही है, अब ये वाले केस में तो देख लो सीधा कभी आती कभी नहीं आती, इसको छोड़ ही देता हूं मैं। टेक्सटाइल स्पिनिंग, यस इसमें ब्रेथिंग आनी शुरू हो गई, देखो एकदम क्लियर क्लियर हम लोग को दिख रहा है हर तरीके से, ये 2-3 दिनों से इसमें ब्रेथ आ रहा है, मतलब मोमेंटम आ रही है, गेनर्स इसके भाग चुके क्या,
1 वीक में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक्स का, बहुत से अभी तक निकले नहीं है और बहुत सारे पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग आना चाहिए, इसमें हम लोग को एवरेज वाले जो निकलना शुरू हुए हम लोग को उस पर नजर रखनी चाहिए, ये वाले जो भी होते हैं। तो कोई एक ले लेता हूं मैं, DCM एक दिख रहा है, ठीक है, पायोनियर दिख रहा है, ये देख लो भाई बॉटम से रिएक्शन निकलना शुरू हो रहा है, ये ब्रेकआउट दे देगा ये बहुत जल्दी। सारे स्टॉक्स ये सेक्टर के अगर निकल रहे हैं तो इसकी बारी अभी, ठीक है, ये एक हम लोग को दिख रहा है। कोई और अच्छा यहां से भी हम लोग चार्ट शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं, चार्ट की बेसिस पर 5% 4% का चेंज यहाँ पर लगता है, इसमें सर्किट लगाऊंगा मे भी, ये एक अच्छा लग रहा है मेरे को चार्ट, ये जो भी है रिकॉर्ड का। जबरदस्त, क्योंकि इसने ये सर्किट्स की स्टोरी शुरू किया था, काफी कंसोलिडेशन हो गया, एक्वायरिंग होने के बाद में फिर से ये सीढ़ी शुरू हो सकती है हायर हाइज वाली, ठीक है। तो ये लगी रहा है पूरा मोमेंटम पकड़ा हुआ है स्टॉक, ये एक अच्छा स्टॉक समझ में आ रहा है। ये सब निकलने से पहले हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ये एक रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये वैलिड ट्रेंड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लोग इसको सप्लाई भी खींच लेते हैं इसका, और डोजी का वरना टॉप पर ये भी एक इंडिकेशन है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है। तो यहां पर मोमेंटम थोड़ी सी चेक करते हैं, RSI 60 को क्रॉस करके बैठा है तो मोमेंटम में आ चुका है ये स्टॉक ब्रेक कर सकता है, चांसेस है इसके। और कोई भागे हुए स्टॉक जो थोड़ा सा रिट्रेस करके हम लोग को मौका दे देते, यहाँ पर ट्राइडेंट को ले लेते हैं, अंबिका कॉटन को ले लेते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री लगता निकल रही है। कि जहां पर NDA सरकार आई है वहां पर गुजरात है, गुजरात फेमस है भाई टेक्सटाइल के लिए, तो मे बी चलेगा वो बराबर। तो ये देख लो भाई ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर एकदम सही तरीके वाला, बोल सकते हैं इसको ये रेंज का ब्रेकआउट, पहले नहीं हो रहा था अभी हो गया, कैसा भी इसको बना लो। और हल्का सा रिजेक्शन जो आया है ये रिट्रेसमेंट दे सकता है, ये अच्छी है पोजीशन ये जो भी बनी है, ये भी डिमांड जोन तो नीचे पड़ा है अभी, एकदम वैलिड डिमांड जोन बोलेंगे इसको। जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उन लोग अभी एंट्री बना लेंगे और डिमांड जोन का वेट करके यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर भी एंट्री मिलती है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसमें। ट्राइडेंट हो गया, अंबिका हो गया, अंबिका कॉटन, जबरदस्त तरीके से निकला ये स्टॉक, मोमेंटम में एकदम है। तो ये वाला एक स्टॉक है जो सबसे स्ट्रांग मुझे दिख रहा है अभी तक के स्टॉक्स में, सही है अंबिका कॉटन्स, वीकली तो भी टाइम फ्रेम। वो एक EMA का ही बताता है ना ये बजाज, ये जो विवेक बजाज बताता है जो 5 EMA वाले स्टॉक्स भी जो बताता है इसी में, वो सेक्टर रोटेशन में वो भी चेक किया है क्या आपने इसमें? नहीं मैंने तो नहीं किया है, कौन सा? मतलब एक उसका विवेक बजाज का उसी की चैनल पे है ना एक वीडियो है जिसमें वो क्या करता है ब्रेथ के अंदर जाकर, मतलब अभी कोई सा सेक्टर रोटेशन है और उसके अंदर ब्रेथ में, और फिर ब्रेथ में जाकर फिर वो क्या करता है कि जो EMS के ऊपर जो स्टॉक आ रहा है मतलब सारे EMS के ऊपर, नहीं ये इसमें नहीं एक्चुअली वो मैं इसमें याद नहीं कर पा रहा, देखता हूँ मैं ये उसमें वाले पे, 5 EMA के, हाँ उसमें 5 EMA के ऊपर जो स्टॉक्स है ना उसको ध्यान देता है। RS 55 बोले क्या? नहीं, इसी में इसी के अंदर क्या करता है वो, हाँ ये VWAP या डिलीवरीज वगैरह किसी के अंदर ऑप्शन में आता है जिसमें सारे EMS के ऊपर, मतलब वो क्या करता है जो स्टॉक सारे EMS के ऊपर चल रहा है उस पे फिर वो ध्यान देता है वो। चलो कोई एक सेक्टर में घुसता हूँ मैं एग्रेसिव, हाँ मतलब उसके अंदर ही आप एक बार देखें, हाँ ये देखो आप इसमें टेक्निकल, हाँ ये EMA इसमें, हाँ और इसके ये अंदर जो, हाँ ये जो सबसे छोटा वाला जो डॉट है ये 5 EMA का है और इसके, बोलना हाँ
अब ये जो चल रहा है उसका सबसे ऊपर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लगते हैं उसको, मतलब आप इसमें इसमें बराबर। फिल्टर आउट ऐसे कर सकते हो। कोई कोई मतलब यहाँ पर ये जो डॉट है वो यहाँ पर रहता है बीच में, बट ये हाँ वाला जो स्टॉक है सारे ईएमएस के ऊपर निकल चुका है। जैसे इसको देख ही लेते ना कार्बोरेंडम को। हाँ करेक्ट, ऐसा है ये। तो इसमें इसी फिल्टर इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग और ऐसे फिल्टर आउट कर सकते हैं स्टॉक्स। ईएमएस लगा देता हूँ मैं सारे। ईएमए वाला कहाँ गया भाई, 5-10 वाला, 5-10-21। ठीक है, टाइम फ्रेम डेली ले लेता हूँ, ये सबके ऊपर निकल चुका है। क्लियर है ना, सबके ऊपर निकल चुका है स्टॉक। नीचे से निकला है, मतलब पहले गिरना चाहिए, गिरने के बाद निकलना चाहिए। हाँ तो मतलब ये मार्केट इस इसका टाइम भी तरीके स्ट्रॉन्ग से, ही। हाँ स्टॉक वो क्या बोलता है कि जैसे अगर ये ईएमएस के ऊपर है तो स्टॉक में पूरा मोमेंटम आ चुका है, तो यहाँ पर ये ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप से वो कुछ बताता है। एक बार उसका है ना चैनल आप विजिट करना, ये स्टॉक रोटेशन के हिसाब से आपको। पहले देखा था तो इतना याद नहीं आ रहा। देखा था ये वाला जो बोल रहे थे, ये इसलिए मुझे याद आया कि यहाँ पर कुछ करता था वो बराबर। तो उसमें यहाँ पर ये जो डॉट है ना, ये कभी कभी किसी के पहले रहता था, किसी के बाद में रहता था, ऐसा भी होता था इसमें। ये करेक्ट, सारे उसके टेक्निकल्स के पूरे ऑप्शन है और ये सारे डॉटेड से सारे जो दिखे हम लोग। हाँ वो प्रेफर ईएमए को करता है, और जो 5 से ऊपर अगर कोई स्टॉक नहीं होता तो उसको हाथ नहीं लगाता, वो ऐसा बराबर, बोलता जैसे कोई और सेक्टर उठा के देखते हैं, जैसे सेक्टर में कुछ और हम लोग माइनिंग वाला देखते हैं, माइनिंग में जाके टेक्निकल्स में जाने के, अपने को टेक्निकल्स में ईएमए को जाना। ये ईएमए बीच बीच में आ रहा था, अभी दिख रहा है हम लोग को, ये बीच में आ रहा है। जैसे तो राइट जैसे करेक्ट। मैं ऐसा भी नहीं आता हूँ, फिर से आता हूँ टेक्निकल्स पर। ये वाला क्या है, डेज लेवल है ना। अच्छा, डेज के बीच में यहाँ पर हाई था, यहाँ पर लो था, बराबर। तो ईएमए वो पर ही सब आना है, ईएमए पे सबसे ऊपर वाले जो भी दिख रहे हैं हम लोग को, ये वाले इनको हाँ, देखना बस है। वो इन्हें ऑप्शंस में सिर्फ ईएमए को ही देखता है वो, और कुछ भी नहीं देखता इसमें। तो एंट्री के लिए ये वाले जो भी है हम लोग को समझ आ रहे हैं। जैसे उठा के देख ही लेते हम लोग कोल को भी। इंडिया इंशाल्लाह जल्दी भागेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, कब करते हैं एंट्री तुम्हारी? बस सुन ही रहा हूं मैं भाई, जब से ये गलत बात है। कहाँ गया फाइट है? कौन सा वाला बोल रहे, कोल इंडिया ना? हाँ कोल इंडिया। डर तो है यार मेरे को इसमें एक चीज का, कि यार ये काफी ज्यादा गिरा था ये वही टाइमों में, निकलने का कि जल्दी के टाइम लगाएगा। नहीं भाई नहीं, जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन क्या है पीएसयू सेक्टर, मतलब पीएसयू में आता है ना, तो पीएसयू थोड़ा में सी इसके लिए ज्यादा गिरेगा वो, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट का थोड़ा इन्फ्लुएंस है इस वो अच्छा था। हम अगर इससे पीछे वाला कार्बोरंडम जो देखे थे ना उन्होंने, लग रहा है मेरे को कि बहुत खतरनाक मोमेंटम में आ जाए वो जल्दी से। पर। कर देंगे ब्रेक बहुत जल्दी, इतना खतरनाक रिजेक्शन नहीं, ऊपर से मोमेंटम में भी आ चुका है, 60 क्रॉस कर चुका है, वॉल्यूम वॉल्यूम सारी चीजें एकदम सही चल रही है। अच्छा स्टॉक हो सकता है। मनी वालों की क्या हाल है जो अपने स्टॉक निकाले गए थे? ऑयल इंडिया कंसोलिडेशन, उषा मार्टिन निकला भाई, ये निकला। आज 385 पे उठाया और क्या प्रॉफिट बात तो है, चल ही रहा है, जो भी चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कल बेच ये दूंगा, आ जाएगा तो सीडीएसएल में तो। सही है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट बोलेंगे इसको हम जो दिया है इसे, बहुत ही अच्छा। इससे पहले भी काफी निकला था ना ये, उसके बाद बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट दिया इसने, बहुत टाइम बाद। काफी लंबी स्टोरी हो सकती है इसकी, ऐसे मोमेंटम को ये कुछ भी टाइम चलना चालू हुआ है भाई, अभी थोड़ा ये चलना बिल्कुल चालू बिल्कुल हुआ है, यहां से हाँ 10-15% आराम से मिल जाएगा मेरे को। कुछ नहीं तो बिल्कुल मैं 10% बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उषा मार्टिन में इससे पहले भी बड़े बड़े ब्रेकआउट दिया है, स्टोरी रही है, मतलब डबल टिमन फॉलो थ्रू भी होता है इसमें। ये देखो दिख रहा है, फॉलो थ्रू भी बहुत स्ट्रांग रहता है, मतलब कल के दिन आपने मे भी शायद प्रॉफिट अगर बुक कर रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बाद में फिर से एंट्री मिल जाएगी। नहीं क्या थोड़ा डाइसी है ना, जैसे आपने निफ्टी वगैरह देखा, थोड़ा डाइसी है, कभी भी या तो 24,000 जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता मेरे है। हिसाब से कल प्रॉफिट बुक तो करना मुनासिब रहेगा। कल जो गैप अप ओपनिंग रहेगी ना मॉर्निंग की 9:30 से पहले का मामला, उसमें जो मिल जाती है तुमको ऊपर कैंडल,
हाँ सही बात है। बेटर रहेगा वहां बुक मार लीजिए तो। क्या हो रहा है इसको, अपन कहाँ पर थे, ये सारे स्टॉक्स है बट अपन इंडस्ट्रीज के हिसाब से देख रहे थे ना, इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री हम लोग को मिली थी टेक्सटाइल वाली चल रही थी, ये हम लोग को समझ आ रहा है। टेक्सटाइल को पहचानने के और एक तरीका मैं बताता हूँ इंडस्ट्रीज में, जैसे हम लोग गए फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री को हम लोग को देखना है, रेलवे वैगन को अगर देखना है वही चीज आती है यहाँ पर, कि अंदर जाओ यहाँ की ब्रेथ को देखो, ये ब्रेथ बहुत अच्छी आइडिया हम लोग को दे देती है, पूरा डेटा हम लोग को कई दिनों का देती है, कई दिनों के डेटा में हम लोग को समझ आता है। अभी 100 100% वाले थे उसको तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मोमेंटम में जस्ट आए हैं तो प्रॉफिट दे के निकलने वाले स्टॉक्स रहेंगे, वो स्विंग के लिए लेना चाहिए हम लोग ने, कोई भी ऐसा सेक्टर उठा के। हाँ आ रहा है भाई मोमेंटम में एकदम, 94% से 100% ये जो है इसमें गेनर्स वगैरह है, दो गेनर्स है और ज्यादा भागी नहीं है। ओके ऑल स्टॉक्स में देखे तो 3 4 ही है इसमें, तो ये वाला जो सेक्टर है स्टर्लिंग टूल्स फास्टनर्स में, अभी देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। ओके और ऐसे ही लगा लेंगे हम लोग मोमेंटम इसमें, हाँ थोड़ा है इतना खास नहीं है। लक्ष्मी प्रसिजन ये है वही स्टॉक पैनी जो निकल सकता है, ट्राई कर रहा है पूरा रेंज में से निकलने का वॉल्यूम के साथ में, रिस्की है काफी रिस्की है एकदम, बॉटम पिकिंग कर सकते हैं ऐसे लेवल पर है। साइड नहीं चल रही सही से, और निकलने वाले स्टॉक्स में ये सब भी निकलना शुरू हो गए ना, हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एसीआई हो गया, अच्छा निकल रहे हैं, मतलब ये जो रेंज में से निकले थे अब, और अब कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जितना कंसोलिडेशन करना था कर लिए, अब जो लोग बैठ गए इसमें तो अच्छा निकल जाएंगे। पूरी कोशिश करूंगा मैं, अगर फंड मिला तो मैं एससीआई में बैठ जाऊं, ये भी को ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। एसीआई भी देख लेना, केमिकल, अर्चन एसीआई केमिकल। एसीआई तो है, साइट का मसला चल रहा है, यहां से देखना पड़ेगा एसीआई। एसीआई ने भी निकलना शुरू किया इसी तरीके से, अच्छा वॉल्यूम में एंटर हुआ है, मेरे को लग रहा है कल ऐसा बनाएगा कुछ, ऐसा 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 करके बना लेगा, ये जो बनाते हैं एकदम 50% तक आ आज जाएगी, आज साइट ऐसा ऐसा बनाएगा और फिर जो ब्लास्ट देगा खतरनाक दे सकता है। आज ना एससीआई ने सडनली रिवर्सल लिया है, तो कल एससीआई मोस्ट प्रोबेबली निकलेगा। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ देखो ना ये तो एकदम बस रेडी है एकदम, बिल्कुल निकल जाएगा वो, बहुत अच्छा निकलेगा बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। है इस पे नजर है काफी मेरी, मौके मिले तो इनशाला इस पे चौका लगाना है। और जीके पेपर भी देख रहे थे ना अपन, कौन सा जेके पेपर, यस जेके पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज निकल रही थी, पदमजी पेपर भी निकल रहा था, ये भी निकल रहा है, क्या बात। आई थिंक सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल रही है, सही है एकदम, वीकली पे देखता हूँ इसको, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम तेजी प्राइस में भी है वॉल्यूम में भी, मतलब ये रुकेगा नहीं, ये तो इंशाल्लाह निकलेगा, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख क्या रहा है।
सब कंसोलिडेशन को ब्रेक करके निकलेगा इंशाल्लाह। ये सही रहेगा, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, कार्बोरेंडम हो गया, ये एक हो गया, देन एससीआई हो गया, बोरो भी तकरीबन तकरीबन रिवर्सल पर ही है, ये देख लो बोरो का मामला तकरीबन तकरीबन रिवर्सल पर ही है। तो लग तो रहा है भाई ये टूट, ये जो नेक्स्ट मंथ रहेगा इसमें मतलब अच्छा लॉन्ग पोजीशन के हिसाब का रहेगा मंथ ये। इंद्रा मेडिको का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है और ऐसे टेक्निकली भी बहुत अच्छा जा रहा है। इंडो मेडिको ना, इंदिरा मेडिको, इंदिरा इंदिरा इंद्रप्रस्थ है वो, इंद्रप्रस्थ मेडिको दिख रहा है क्या? यही पहला वाला ही है शायद। हाँ पहले वाला ही। मार्केट कैप 2000, मतलब स्मॉल कैप में आ रही है, माइक्रो कैप में आ रही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स बढ़ते आ रहे, यस बढ़ते आ रहे भाई, नेट प्रॉफिट के साथ में चल रहा है मामला, ईपीएस में राइज है, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन इनका बढ़ते आ रहा है, डन। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखिए तो सितंबर से सितंबर का इंक्रीज, दिसंबर से दिसंबर का इंक्रीज, मार्च से मार्च का इंक्रीज, डन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लोग का सही चल रहा है एकदम, और नेट प्रॉफिट इन लोग का गेन, सब चीज अच्छी है माशाल्लाह, इसमें इंक्रीज है रिटर्न ऑन इक्विटी में। और यासर भाई इसका इन्वेस्टर देखो, इसका अपोलो का, अपोलो का दिल्ली गवर्नमेंट का टाई अप है इसमें। ओके कितना 22, ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके रेड्डी लोग होशियारपुर रहते हैं, इन लोग की इन्वेस्टमेंट है मतलब सही कंपनी है, समझ लो दिल्ली गवर्नमेंट और अपोलो वाले का टाई अप है इसमें। ओके ओके यहाँ पर एफआईआईएस भी है ना इसमें, पब्लिक तो यासर भाई, यासर भाई क्या फरमाते हैं इस बारे में? हाँ भाई डील्स बता दो, डील्स है कि नहीं? अरे बल डील वाले यासर भाई, हाँ उनका ही बोल रहा हूँ मैं, डील बता दो। हाँ भाई ये आईजी है, ये इंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ इसमें है शायद, है जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने एक हफ्ते से कुछ ऐसा ट्रैक किया है नहीं, लास्ट एक हफ्ते से ऑफिस की वजह से, लेकिन इसमें शायद है जितनी मेरी नॉलेज है, ये मेरी वॉच लिस्ट में भी है। नारो बॉक्सेस बन रहे हैं मतलब ब्रेकआउट के करीब है, निकलेगा तो अच्छा ब्रेकआउट देगा, बस ये लेवल तो है, ये टॉप का लेवल है। या सर भाई इसको ना मैं एक्चुअली जैसा अनंत राज को ट्रैक कर रहा था ना, एक साल में मतलब 3 times हो गया अनंत राज भी, तो अच्छा। मतलब सिमिलर वे में ये भी इंदिरा मेडिको भी जो लग रहा है ना कि ये मतलब इसका मतलब फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, तो इसके भी निकल मतलब अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंड डेल में हुई थी इसकी बल्क डील, लास्ट अप्रैल में बल्क डील हुई है इस पे, लास्ट अप्रैल में। ओके ये ना 2-3 महीने पहले ना? हाँ 2-3 महीने पहले। ओके बाकी हाँ हुई है स्ट्रांग है। कैश फ्लो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है क्या इसको? निकल क्या गिरा यासर भाई इसका?
टेक्निकल क्या कह रहा है इसका? टेक्निकल तो वही बोल रहा है, ब्रेकआउट के करीब है, मतलब दे देगा ब्रेकआउट जल्दी, कंसोलिडेशन अच्छा है, अब ज्यादा रुकेगा नहीं, बस एक चीज हम लोग को बता सकती है क्या होने वाला है, वो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, 200 को कर रहा है रिस्पेक्ट, 200 के करीब बाकी फिर रिवर्स हो रहा था, मतलब सही से आना बाकी है, तो वही शायद एक एक और लेगा ये मे बी, एक रिवर्सल एक हफ्ते का, उसके बाद में शरीर शूट होना चाहिए, बाकी तो डेली बेसिस पर ये में को कुछ ब्रेक नहीं किया इसने, तो कंसोलिडेशन का ही मामला चल रहा है, तो बहुत बहुत एक दो हफ्ते का मामला है, वारी ने रिवर्सल देना शुरू कर दिया है, ये भी देख लो भाई, सब ध्यान में रखो, वारी का ये डिमांड जोन का कौन सा वाला है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो ड्रॉप बेस रैली बनी थी ना उसका रिएक्शन है, और ऑलरेडी काफी फॉल होने के बाद में ये निकल सकता है, चांसेस थोड़े से टेंशन वाली है क्योंकि ये जो सप्लाई बना था उसका रिएक्शन भी आ गया था, डिमांड से डिमांड जोन का भी रिएक्शन आ रहा है, बट सही से मामले चल नहीं रहे, हैमर भी तो बना रहा है इसमें, हैमर भी बना उसमें, हैमर भी बन गया है, यस हैमर का हाई भी ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है, मोमेंटम आ जाएगा इंशाल्लाह, ये निकलेगा अभी, मतलब ईपीएल पे क्या नजर है, ईपीएल कैसा लग रहा है, ईपीएल इस बार ब्रेक करेगा नहीं करेगा? अरे इसने इतना डिसअपॉइंट किया कि मैं उसको देखना ही छोड़ दिया, निकाल दिया उसको, नहीं इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से चीजें चल रही है, इसमें टाइम नहीं ले रही है ज्यादा, मतलब जो चीजें चल रही है ना मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस बार, मेरे को लग रहा है कि भाई लेकिन ध्यान दो ईपीएल जो चीज सताती है वही इतना फास्ट भागेंगे पकड़ नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल देता हूँ डीलिंग, उसका चार्ट देखो, कम से कम 3-4 महीना लोगों को सताया उसने डीलिंग ने, लोगों ने हार मान दिए रहेंगे, उसके बाद जो भागा है वो पकड़ ही नहीं पाया कोई, देखो सेम चीज एस के साथ भी हुई थी, देखो याद है क्या, एस सदा सदा के मैं तो एक्सिट मार लिया था पिछले कुछ टाइमों में यहीं पे, उसके बाद जो इसने दिया था खतरनाक शार्प एकदम बेकार एकदम, इसमें भी वही स्टोरी हो रही कि ये अब फिर से कंसोलिडेट होके शायद और एक मूव दे दे, ये भी एक है, और एक जैकॉब आया था मार्केट में अच्छी मोमेंटम के साथ में, यस ये कितना निकला है भाई, काफी निकल गया, बट ये तो रिजेक्शन ब्रेक क्लियर दिख रहा है एकदम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी थोड़ा देख लेते हैं अपन क्या चल रहा है वहां, स्कूल्स जस्ट ओपन हुई है अभी, यस ब्रेथ आ रही है इसमें, 68 74 73 100 पर आ चुका है मामला, इसके स्टॉक्स कौन से हैं, ये वाले गेनर्स, वन वीक में सही से भागी नहीं है, यस तो चलो इसको देखना शुरू करते हैं अपन, डॉम्स डॉम्स जो अभी वो डोमिनेटिंग चल रहा है स्टेशनरीज में, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से कंपनी का, नटराज वटराज सबको पीछे छोड़ दिया है, काफी प्रॉफिटेबल चल रही है कंपनी, नेट प्रॉफिट देखो क्या लेवल का चल रहा है, 17 फिर 103 फिर 116, ईपीएस कुछ अलग ही दिख रहा है इसका, समझ नहीं आ रहा है मुझे ऐसा कैसा ईपीएस है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत स्ट्रॉन्ग, सेल्स तो इसका ही हुआ रहेगा ज्यादा अभी, इन्वेस्टर्स वगैरह है कि नहीं इसमें, कैश फ्लो काफी पॉजिटिव,
74% 75% भाई प्रमोटर्स के पास में, और क्या चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिया आईज ने लेके रखा है इसको। ओके ये भाई डॉम्स, हट नहीं रही है, हट गई तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज और मोमेंटम में फॉल, शायद और कंसोलिडेट करेंगी तो आएंगे चार्ट को देख के। और कोई फ्लेयर राइटिंग, ओके अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बॉटम पर है। यासर भाई ये मदरसन, मदरसन का भी फंडामेंटल भी अच्छा है, और अभी मतलब मदरसन सोनी मोबाइल, हाँ मदरसन निकल जाएगा। हाँ नहीं नहीं ये नहीं, मदरसन SON एस ओ एन ई ना, नहीं 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 देखो आगे क्या है। SON करो, SON करो आगे, अच्छा मदर सन। हाँ दिख रहा है, हाँ पहले वाला कहाँ गया, नहीं नहीं सन करो ना, उसको सन था ना, मदर सन SON। पहला हाँ वाला, हाँ ओके बाप रे, अभी भी देरी नहीं है भाई इसमें एंट्री बनाने के लिए, कितना है आज के दिन, अरे वो उसका फंडामेंटल, उसका फंडामेंटल देखो बहुत अच्छा है इसका। इसमें बल्क सेलिंग आई हुई है भाई, बल्क सेलिंग बाप रे, बड़ी कंपनी है तो बहुत। काफी अच्छी कंपनी है तो मतलब अवॉइड नहीं कर सकते इसको अपन, कैश फ्लो क्या लेवल पे चल रहा है देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना क्रिएट कर रहे हैं लोग, 60% प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है, मतलब ये ड्रॉबैक लग रहा है इसमें, FIIs की होल्डिंग इसमें कुछ रेस किया रहेगा शायद, FPO वगैरह कुछ रेस किया रहेगा इसमें। ओके चार्ट कैसा लगा था अपने को, चार्ट तो एकदम स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग लग रहा है, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज ये भी एक चीज दिखने हो रहा है, दिख रहा है कि भाई सबको मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम तो अच्छा है, एक्सटेंडेड मूव है शायद, मे भी हो भी सकता है कि यार निकल ले एक दिन के लिए और फिर से ये डिमांड जोन के करीब और EMA 20 के करीब आ जाए, काफी एक्सटेंडेड है तो इसको ब्रेक किया था तो ये लेवल पर, ये डिमांड जोन की वजह से ब्रेक हुआ था, ये डिमांड जोन पे आना चाहिए, कायदे की बात तो ये जल्दी ना करते हुए देरी करना चाहिए और वन एक्स टू चुपचाप लेना चाहिए, जो काफी परसेंटेज हो जाएंगे इसमें, तकरीबन 10% हो जाएंगे, अच्छा ट्रेड माना जाएगा ये, चार पांच दिन के बाद में प्राइस आ सकती है ये रेंज पर, क्या बोलते हैं इसके बारे में, ट्रेड बनता है ये भाई, सब कुछ अच्छा है इसका, लेकिन लास्ट टाइम बस इसकी बल्क डेली सेलिंग में आई है, बाकी मोमेंट और वैल्यूएशन और फंडामेंटल सब अच्छे हैं इसके। अच्छा बाकी चीजें समझ आ रही है इसकी है ना, बस वही चीज है कि सेल भी आई है, ये भी एक बात है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो वो शायद लेवल करने वापस आ जाए। बराबर
बाकी देखा जाए तो काफी कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है, कभी भी और ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा ये, लग तो रहा है। परसेंट कौन भागा था, ये किरण प्रिंट। क्या बात है यार, जबरदस्त दिख रहा है सबको, अच्छा है, बहुत मस्त दिख रहा है। अब ये रेंज में रहेगा ही नहीं, ये निकल नहीं है, इसको लग रहा है क्लियर। 8% इसकी शुरुआत है, ये इंशाल्लाह निकलेगा। मोमेंटम में अच्छे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं इसमें, मतलब अगर हम लोग देखें तो। बाकी तो और कुछ है सेक्टर में देखें ऐसा? रेलवे में एक बार ईएमएस ईएमए वाली देखना यसर भाई। हाँ रेलवे में एक बार, हाँ रेलवे में एक बार फिल्टर आउट करते हैं ईएमएस से। रेलवे में देखते हैं अपन टेक्निकल्स में ईएमए। चलो तीन स्टॉक्स है, जुपिटर वैगन उसमें एक है और टीतागर है। चलो टीतागर को देख लेते पहले। और ईएमएस लगाना है अपने को 510 और 21। सबके ऊपर निकल गया स्टॉक, ये रिजेक्शन को कर लेना चाहिए जल्दी से इसने क्रॉस। ऐसा चल रहा है भाई। टप्पा खाया देखो 60 पर, 60 पर टप्पा खाना एक अच्छी सिंबल होती है कि नीचे जाने को रेडी नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने को रेडी। वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज के साथ में, बस आ जाके बात वही होती है कि इसको कैसा ब्रेक करता है, और डेफिनेटली ब्रेक ही कर देगा क्योंकि ये लेवल को रिजेक्ट कर रहा था, ये लेवल के नीचे जाने को रेडी नहीं था। तो बस सारी चीजें पॉजिटिव आ रही है, कर ही देगा सब। बेसिंग सही चल रही है, बेसिंग इसको ब्रेक करने के लिए चल रही है, मे बी ब्रेक हो जाएगा। मार्केट रुका इसीलिए है कि सप्लाई के करीब है, ये हम लोग को सारी चीजें दिख के आती है। सप्लाई को ब्रेक करने के लिए डिमांड जो भी बना रहेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, उसमें हम लोग को एंट्री बनाना चाहिए और फिर वो इसको ब्रेक करके निकलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी है, चाहे हम लोग सीधा ब्रेकआउट पे एंट्री बना ले, अगर ब्रेक करता ही है तो फिलहाल तो सप्लाई के करीब है, सप्लाई खींच लेते हैं जो भी हम लोग को मिलती आ रहे हैं, और डिमांड तो नीचे ही मिल रहा है हम लोग को, डिमांड भी खींच। बाकी एक बंदे की स्ट्रेटेजी में बताता हूँ, आज मेरे को मालूम पड़ी थी वो काम कैसे करता है। सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी उसने बनाई है, स्ट्रेटेजी कैसी है, उसने एक स्क्रीनर बनाया सिंपल सा, स्क्रीनर से ये बताया कि कोई भी ऐसे स्टॉक्स मुझे चाहिए जो मूविंग एवरेज 60 के ऊपर निकले गए, बस सिंपल सा स्कैनर है। जैसे कि मैं अभी बना लेता हूँ, एकदम सिंपल सा स्कैनर हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ वही कहने वाला था यासर भाई, अगर ये बन जाए तो बहुत इजी हो जाएगा सेक्टर इंडस्ट्री। तो क्लोज में बोल रहा हूँ, चलो डेली क्लोज जो भी मेरा है प्रोसेस क्रॉस अबाव, या डेली क्लोज नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, ये बोलेंगे आरएसआई ही बोलेंगे सीधा। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो भी है ना क्रॉस्ड अबाव, स्टार्ट में नंबर नंबर ही नहीं मिल रहा है। फर्स्ट नंबर 60 कर लेते हैं, ठीक है रन करते हैं इसको। स्टॉक्स जो भी आएंगे इसमें, इसमें करना क्या है, फिलहाल तो ये सब निकल चुके हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जो नहीं निकले, एसीआई हो गया इसमें, ये जो भी हो गए स्टॉक्स, कोई भी एक मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर, तो डीसीएम को ले रहा हूं मैं। डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लगा रहा हूँ मैं आरएसआई, ये लेता हूँ मैं वॉल्यूम आरएसआई का जो था मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई मैंने लगाया,
देखना सिर्फ ये कि डेली टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक 60 RSI के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। 60 RSI के ऊपर निकलने के बाद में आपको EMA 20 लगाना है, तो मैं फिलहाल ये वाला लगा ले रहा हूँ जिसमें EMA 20 ब्लैक लाइन होती है, ठीक है। तो RSI भी मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं छोटे इंडिकेटर्स में लगा देता हूँ इसको। और यहाँ से EMA 8 को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो EMA 20 की लाइन है, RSI 60 के ऊपर निकल जाना चाहिए। जैसे ये सारी चीजें हो रही है तो उसके अगले दिन की जो कैंडल निकल के आएंगी, मतलब ये कैंडल अगर बन जा रही है सब क्राइटेरिया के हिसाब से कि ये 60 के ऊपर निकल चुका है, 60 को मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब क्लियर दिख के आना चाहिए। 60 की एक लाइन लगा लेना चाहिए सीधा, यानी मैंने इसकी सेटिंग में चल जाना चाहिए, 70 को 60 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्क हो। तो 60 की लाइन क्रॉस कर देगा मे भी अगर करना है। चलो ये स्टॉक फिलहाल नहीं दिख रहा है कैटेगरी में, कुछ और लेता हूँ। SPL इंडस्ट्रीज, सिंपल देखो 60 के ऊपर निकला है, कैंडल अच्छी बनना चाहिए, रिजेक्शन वाली नहीं बनना चाहिए, अच्छी बड़ी सी कैंडल बनी है, ठीक है। बस इसका हाई मार्क करना है, तो लेट सपोज कि चलो मैं इसको हाई लो मार्क कर ले रहा हूं और हाई के ऊपर एंट्री बना लेने की चुपचाप, ठीक है। EMA 20 तो ऑलरेडी मैं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं एंट्री कैसे डिसाइड करूंगा, हाई के ऊपर और एग्जिट, ये SL मेरा रहेगा EMA के नीचे, जो भी EMA जहां भी चल रहा होगा उसके नीचे SL रहेगा, ठीक है। और मुझे इसको लेना है 20% के करीब स्टॉक को लेना है, 1:2 लगा लो या 20% लगा लो, तो उतना एक प्रॉफिट ले लेना चाहिए मैंने, या प्रॉफिट जब तक लेना चाहिए ट्रेल करते करते, ट्रेल करते करते कैसे EMA को देखते रहना, मार्केट बढ़ते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में स्टॉक आया, मतलब ऊपर जाने ही वाला है, ये इसमें सोच लिया है, ठीक है। तो ये तो जाने ही वाला है, अब आप सेटिस्फाई हो रहे 12% पे, 15% पे, 20% पे तो बेटर है, लेते हैं उसको 20% के करीब, या ये स्टॉक जाके सीधा 30-40-50% को भी अचीव कर लेगा। तरीका इसमें ये होगा कि अगर आगे बढ़ना है तो EMA को देखते हुए चलो और ट्रेल करते रहो इसको, ठीक है। तो EMA पे अगर लग जा रहा है आपका ये क्या बोलते हैं अलर्ट लग जा रहा है तो अच्छी बात है कि EMA के नीचे जब भी प्राइस आएंगी तो इंडिकेशन दे दो मैं सेल कर लूंगा, या सिंपल सा है कि आप 20% ले लो और निकल लो उसमें से, फिर नेक्स्ट वीक के लिए फिर मोमेंटम का एक ऐसा स्टॉक चुन लो, उसमें एंट्री बना लो, एंट्री बनाने के बाद में हिसाब से काम करो। बैक टेस्ट करना है तो नीचे आता है डेटा उसका, अब ये स्कैनर तो मैंने बनाया ना, अब इसका बैक टेस्ट रिजल्ट देखते कहीं मिलता है क्या, सेव करना पड़ेगा पहले मुझे ऐसा होगा, ठीक है। सेव कर लेता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ RSI 60 मोमेंटम सबमिट, ठीक है। तो अब मुझे चुनना भी पड़ेगा किधर है ये, चलो कोई भी डेट पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब बैक टेस्टिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं, बस हम लोग स्टॉक्स देखने हैं पुराने, और स्टॉक्स को ये कंडीशन में जो आए थे वो स्टॉक्स को देखना है, जैसे कौन सी डेट है ये स्टॉक्स है फॉर एग्जांपल, तो मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, इसमें CESC और डेट कौन सी दिख रही है, डेट यहाँ पर दिख रही है हम लोग को इसकी, कौन सी डेट है भैया, 3 तारीख को, 3 जून की डेट है, 3 जून की डेट पर मुझे कहा दिख रहा है मामला, ये मामला है 3 जून का। तो देखो ये RSI जो है ये 60 के ऊपर गया था, स्टॉक ने फिलहाल क्या किया है, मूविंग एवरेज 20 के ऊपर, मतलब EMA 20 के ऊपर तो दे दिया हम लोग को, बट ये अच्छा सा ग्रीन नहीं बना ये, तो ये तो यहाँ से फुलफिल नहीं किया, इवन इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी थी तो अगले दिन मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये वाला तो इसमें बैठ नहीं रहा है, कोई और ले लेता मैं, हिंद पेट्रो, कोई भी सेटअप में उसके रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करने के बाद सेटअप को लिया जाता है हम लोग को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी सेम केस होगा मे बी, शायद 3 जून का यही वाला, कि कैंडल जैसी भी बनी उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट नीचे गया फिर, ठीक है। डेट हम लोग को चेंज करना चाहिए, या फिर भाई एक्चुअल में वो डेट चेंज करिए, क्योंकि 4 तारीख को जो मार्केट फॉल हुआ था ना, डेट में लेता हूँ कोई करीब की 1 तारीख के करीब वाली कोई, जिसमें ज्यादा स्टॉक्स निकल के आए, 1 मार्च ही दिखा रहा है यहाँ पर, तो 1 मार्च के ले लेते फिर यहाँ पर स्टॉक्स हम लोग, कोई भी हम लोग ले लेते, CG पावर ले लेते,
एक मार्च मतलब काफी पीछे देखा हुआ ये है, एक मार्च ये वाला इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो स्टॉक्स में एंट्री नहीं है, हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मूविंग एवरेज यहाँ पर हो और ईएमए 60 भी क्रॉस किए, आरएसआई 60 भी क्रॉस कर लिया, सेम चीज को यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाला स्टॉक मोमेंटम में है, 60 क्रॉस कर चुका है, अच्छा सा बना है, रिजेक्शन है बड़ी इतना नहीं है, हाई भी ब्रेक हो चुका है। अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री लिया होता तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंट्री। रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि ईएमए को ट्रैक करना है, ईएमए के नीचे हम लोग को लो लगाना है। कितना परसेंटेज फिलहाल भागा ये, 5% ही भागा ये, सही से भागा नहीं, बट हुआ ये है कि यहाँ पर इसका एसएल हिट हो गया रहेगा। अगर ईएमए के हिसाब से इसने एग्जिट मारा होगा तो एसएल इसका हिट हो गया रहेगा। वही चीज है कि यार सोच समझ के काम करना है आप लोग को। अच्छी बड़ी सी कैंडल बनी है तो एंट्री के ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, अच्छी बड़ी सी कैंडल। सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि ये क्रॉस हो रहा है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं जो अच्छी बड़ी बनी है, ये वाली नहीं ये वाली, और इसको अगर मैं एंट्री बनाता हूँ इसका हाई और लो क्या रहेगा, ईएमए के नीचे वाला पॉइंट, और इसमें अगर हम लोग खेल के देखे तो ये परसेंटेज यहाँ पर दिख के आ रहा है, डिपोजिट तो ऊपर चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, ट्रेडिंग चलती जा रही है चलती जा रही है। जिसको 20% पे निकलना है निकल लो, जिसको आगे तक चलाना है चलाते रहो उसको, तो आ जाके ईएमए के नीचे मतलब यहाँ पर किसी का एक्सिट हुआ है, तो ये तो फॉलिंग डेज था, बाकी स्टॉक अच्छा ही जा रहा था। तो मोमेंटम में जब स्टॉक आ गए हैं तो हम लोग को मालूम पड़ गया, हम लोग उसमें एंट्री भी बना ली, स्टॉक चुपचाप से मोमेंटम में आ गए, एंट्री बना लिए, ले लिए, निकल लिए। तो आज के सब लोग यही बोल रहे ट्रेडिंग में अगर बैठना है तो इट इज ए काइंड ऑफ आर्ट, जिसको बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, जो कर पाते हैं वही आर्टिस्ट होते ये स्टॉक मार्केट की दुनिया के। बाकी तो इन्वेस्टिंग में अच्छा पैसा बनता है, चुपचाप सबर से काम करें हम लोग, अगर मोमेंटम में काम करना है, ट्रेडिंग में काम करना है तो वही एंट्री है तो एग्जिट भी है, फिर एग्जिट भी हम लोग को डिसाइड करनी पड़ेगी। यासर भाई ये कह रहा था कि ये जो स्टॉक एज वाला फिल्टर है ना सेक्टर का, इसको हम लोग चार्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे इंडस्ट्री से लेके फिर चार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, उसने बस चार्टिंग में दिया हम लोगों को क्या चाहिए, चुपचाप एटलास में जाके देख लो डेली का स्क्रिप्ट, हम लोग को वो लगाने की मौके नहीं मिल रहे, जैसे हम लोग कोई भी इंट्राडे का डेस्क ले ले यहाँ पर तो उसमें भी आते हैं हम लोग का सेक्टर, जैसा ये आ रहा है जो भी सेक्टर्स आ रहे थे वो सेक्टर्स हम लोग को दिख के आ रहे, तो ये उस दिन के एडवांसेस हम लोग को दिख जाते हैं, उस दिन कौन सा भाग रहा है उस दिन सिर्फ, बट बैक डेट में हम लोग इसको कैसा देखेंगे, अगर इसमें कुछ ऑप्शन होगा मे बी शायद कैसा बनाते होंगे इसको, डैशबोर्ड बनाने के भी ऑप्शन आते हैं ना इसमें, जी जी बनता है, फिलहाल तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं भाई, डैशबोर्ड मैंने पहले कभी बनाया था बट अब याद ही नहीं आ रहा है, और उससे बेटर है कि फिर अगर करना ही है तो फिर ये है ना ट्रेंड लाइन वगैरह, ये डैशबोर्ड है, कहाँ गया भाई डैशबोर्ड मेरा, इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें रन कैसा करना है इसको, डिजाइन फिल्टर में जाओ, फिल्टर करूं, हाँ ये फिल्टर है ना इसमें वो क्वेरी सेट कर सकते हैं हम लोग, ये रहा, अच्छा इसने क्या किया था वो तो देख लेते, डिजाइन में आके, अरे हाँ ये वाला ग्रुप काउंट डेली क्लोज ग्रेटर देन वन डे एको ग्रुप काउंट कैश 200, नहीं समझ आया अभी मेरे को इसमें, अगर मैं वन डे की जगह पर 3 days ago कर लू, डेली क्लोज की जगह पर 3 डे ago का क्लोज कर लू, कुछ बात बनती है क्या, देखते चलो बन रहा है,
इसको डेली कर लेता हूँ मैं। ये जो सेक्टर अभी दिखा रहा है फिनेंस ऊपर है, एरोस्पेस डिफेंस एंड में। नहीं यार सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम पुराने टेक टेस्टिंग की जगह अगर हम सिर्फ करंट डेट के सेक्टर का डेटा लेते हैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ अपना वही वाला फंडा यूज करते हैं जैसे ये विवेक यूज करता है ना, विवेक बजाज के, करंट सेक्टर में जो करंट स्टॉक्स हैं और वो कौन से 5 EMA के ऊपर चल रहे हैं, अगर हम लोग अगर ये भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट क्या हो सकता है कि सब यूज कर सकते हैं ये, फिर उसके बाद जो सेक्टर का पुराना डेटा है वो हम कहीं ना कहीं से लेके आ जाएंगे कुछ ना कुछ R&D करके। अगर फिलहाल अभी आज के दिन में उठ के देखूं कि सेक्टर एडवांसेस में जो भी मेरे को ऊपर दिख रहा है, जैसे ऑयल दिख रहा है, हाँ, तो ऑयल के अंदर जाना है, अपनी स्किप लगानी है ना लेने वाली। जी जी, वो तो बहुत आसान काम है, उसकी क्या टेंशन। हाँ मतलब उसके अंदर के जो वो अपन लगा सकते ना, उसमें इतना कुछ टेंशन नहीं रहेगा, बट मसला वही है कि देखो लगाना कैसा है, सिंपल रहेगा उसमें, अपने को जाना है सीधा क्रिएट स्कैन में, एक एक्सेल अगर देख लिए तो उसी दिन ये रन कर देना है अपना, जो स्कैनर रहेगा अपना, अपने को लगा देने का इसके डेली क्लोज होती है, डेली या हम लोग को डेली की जगह पर 15 मिनट का लगेगा शायद, अगर इंट्राडे करना है जो भी करना है, तो वो सेक्टर कैश में नहीं जाने का, वो सेक्टर में जाने का सीधा, लेता है कैश में है? नहीं ले रहा है, मुझे लगा लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर लेता तो बात हो गई होती थी, वो सेक्टर के स्टॉक आगे होते थे सारे स्कैन के, वही नहीं, ये ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है अपने को, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लगा लूंगा और वो सेक्टर में जाके चेक कर लूंगा स्क्रिप्ट को। अस्सलाम वालेकुम बारी भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे पास इसका एक स्कैनर है, लेकिन आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं एक्चुअली हम लोग है ना वो विवेक बजाज की ट्रिक यूज कर रहे थे यहाँ पर, मैं ये था कि जैसे मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे, वो ये बोलना चाह रहे कि सुबह सुबह हम लोग उठे और हम लोग ने यहाँ पर आके देख लिया कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो सेक्टर में हम लोग को ईएमए 5 के ऊपर कौन से स्टॉक निकल चुके हैं, वो वाले स्टॉक्स को स्क्रीन करना है, तो बस ये सिंपल सा मेथड है कि हम लोग को वो सेक्टर पहले ले लेना है, उसके अंदर ईएमए 5 के ऊपर कौन से निकले वो देख लेने, उसको डैशबोर्ड के अंदर ना अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी एक ये सेक्टर का बना हुआ है ना, वैसे ही सेक्टर का बनाने के बाद उसके बाद दूसरा एक डैशबोर्ड यानी उसके बाजू में ही रहेगा, तो वो बताएगा कि कौन से स्टॉक उसके ऊपर। जी एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप ओपन कीजिए एक मिनट, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। मुझे तो एक तरीका लग रहा था इसमें कि सीधा इंडाइसेस में जाओ, अपन जैसा करते हैं ना इसमें, जैसा फायर्स में होता है कि मैं जाऊंगा सीधा और जो भी इंडाइसेस मेरे को लग रहा है जो चल रहा है आज के दिन अच्छा, मैं सीधा उसके अंदर घुस जाऊंगा और निफ्टी 50 के या 500 के स्टॉक्स उठा लूंगा, मेटल चल रहा है ना तो मेटल में ये सारे स्टॉक्स में ईएमए 5 की स्क्रिप्ट लगा लूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ जो मैं लगाता हूँ ईएमए का गया वो, और घुमा घुमा के देखते रहूंगा चार्ट पर कि कौन से निकले, जैसा क्लिक कर करके देखूंगा तो मुझे चार्ट भी दिखते रहेंगे, समझ रहे आप, ये देख लिया। ये वॉचलिस्ट शेयर कर सकते हो आप सर भाई, सारी आ सकती है, ये तो आपको मिल जाएंगी, कहाँ से मिल जाएंगी, निफ्टी से मिल जाएंगी आप, ये यहाँ से NSE से, सिंपल तरीका बताओ, गूगल करो आप सीधा, देखो क्या करो, लिखो आप निफ्टी ITPDF डाल दो बाजू में, तो सीधा वो खुल के आता है, ये देखो निफ्टी ITPDF निकल के आ जाता है इंडेक्सेस, वहां से डाउनलोड करके उसके स्क्रिप्ट बना लेने का, एक यहाँ से डाउनलोड करने का उसको, दिख रहा है, तो ये पूरे डाउनलोड हो जाते हैं, उसकी लिस्ट बना लेने का और इम्पोर्ट कर देने का उसको, ये तो इसमें बैठे बिठाए मिल जा रहा तो मैं यूज करता हूँ इसको, तो उसमें हम लोग फटाफट फटाफट सारे चार्ट देख सकते हैं एकदम स्पीड में, क्योंकि आप डेस्क पे से भी बहुत सारा डेटा देख नहीं सकते, आपको खाली दिखेंगे कि भाई 10 स्टॉक ऊपर निकल के आए, आपको जाके चार्ट तो देखना ही पड़ेगा। हाँ मतलब जितना कम काम हो सके, मतलब मैं ये चाह रहा था कि जितना कम काम हो सके, जैसे ये विवेक बजाज वाला जो सेक्टर रोटेशन वाला ऑप्शन है, इसमें वो क्या कर रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे उसमें
तो वो उन चीजों को ले रहा है जैसे RSI और SMA 50 10 के ऊपर जो आ रहा है उसको ब्रेथ में कन्वर्ट कर रहा है। उसका भी सेटअप है सही तरीके से काम कर रहा है। DMA 5 के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं बहुत जल्दी इसके टारगेट आपके लिए लेने पड़ेंगे। बहुत सारे हाँ वैसे DMA 5 के ऊपर निकलते रहते हैं समझ रहे आप, अगले दिन फिर नीचे हो जाते हैं फिर ऊपर हो जाते करेक्ट। हैं, तो DMA 5 एक प्रॉमिसिंग चीज होती नहीं कभी भी, समझ रहे मेरी बात। उसके आगे एकदम शॉर्ट रहेंगे, एकदम शॉर्ट आपको एंट्री बना के एग्जिट भी मारना है यहाँ से। हाँ वैसे ऊपर वो देखो आ, आ, कितना नॉइज है देखो, यहीं पर देख लो आप कितना नॉइज है। 5 के ऊपर निकला फिर नीचे आया, 5 के फिर नीचे नीचे गया फिर ऊपर निकल गया फिर नीचे आ गया। ये देखो 5 के, खाली 5 को मैं इनेबल करूँ ना आपको समझ आ जाएगा। ये खाली 5 की लाइन है देखो, 5 को लेके तो बहुत सारे स्ट्रोक चलते हैं 5 को, और उसके ऊपर नीचे जाते रहते दिन भर, तो एक प्रॉमिसिंग है ही नहीं फाई। अगर आप एकदम छोटी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो भी अब पता नहीं कि 5 EMA ही देखना है छोटी टाइम फ्रेम पे। ये छोटी टाइम फ्रेम पे भी 5 EMA का इतना वैल्यू नहीं है। देखो आप इसमें एंट्री बना लोगे बट वो लेके ही चलेगा इसको, फिर ऊपर निकलेगा फिर नीचे, तो ये टेंशन वाला है थोड़ा। भी आप कौन सी लिंक में जी लिंक भेज के हम चेक कीजिए। देखिए ये क्या हुआ है, सेक्टर वाइज FMCG में कितने स्टॉक है, पहले तो ये हो गया। FMCG में देखो उसके आगे लिखा हुआ है कितने स्टॉक है टोटल, वो दिखाएगा जी। आप क्या बोल रहे हैं अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा ना, तो अब अगर दूसरा डैशबोर्ड बनाएंगे तो आपको कौन सा स्टॉक 5 EMA के ऊपर जा रहा है ऐसा है ना बारी भाई। जी उसका एक अलग डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, अब वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कभी सही तरीके से मुझको बताएगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हेल्प हो सकती है, मतलब मैं कर सकता हूँ। बस आप यही करो कि वो टाइम फ्रेम अपने को बतानी पड़ेगी कौन से टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है 5 EMA के, डेली बतानी पड़ेगी या 1 आवर की या जो भी है। तो बस जो भी स्टॉक ये सेक्टर में 5 EMA के ऊपर निकले कि उसका हम लोग को मालूम पड़ जाए लिस्ट। बोलिए बारी भाई किसमें चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में चाहिए? डेली 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 टाइम फ्रेम में ऐसे स्टॉक चॉइस मतलब चुनना है जो 5 EMA के ऊपर हो। हाँ किसमें, जो रनिंग रनिंग सेक्टर है उसमें, जैसे जो अभी अभी कन्वर्ट होके ऊपर आ रहा है जिसमें ब्रेथ आ रही है उसकी बात चल रही है जी। अगर स्क्रीन शेयर है तो आप डैशबोर्ड बना लेंगे। एक मिनट ये रीस्टार्ट हो रहा है जी जी जी। एक बार एक चीज मुझे लगती है, जैसे ब्रेथ की बात करते हैं ना हम लोग, ब्रेथ तो मोमेंटम आना मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मोमेंटम जो 2 दिन में किसी सेक्टर में आ गया है तो वो सेक्टर पे नजर सबकी तो होती नहीं। इन लोग जब इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं या ट्रेडिंग करते जा रहे हैं ये लोग, तो ये मोमेंटम में आ जाते हैं स्टॉक्स, हम लोग को पता है पूरा सेक्टर मोमेंटम में आ जाता है। तो ये सेक्टर की 2 दिन पहले से अपने को मालूमत होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, ऐसे सेक्टर निकलना चाहिए हम लोग के पास से जो मोमेंटम में आना शुरू हुए जिनमें हम लोग को एंट्री बनाना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें मार्केट से पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए या हमारी एकदम बिंदास एंट्री हो जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। देखो अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक मिनट। अगर डेली वाइज काम कर रहे हैं अपन तो टारगेट उसी दिन के रहेंगे, ये चीज माइंड में रखना सबने, क्योंकि डेली जो काम होते हैं उसके टारगेट छोटे ही होते हैं। इंट्राडे में वही लोग सक्सेसफुल है जो फॉरन टारगेट भी अचीव करके निकल लेते हैं, भले से लॉस हो उसी दिन बुक करके निकल लेते हैं। अब देखो आपने जो भेजा था कहाँ गया वो, चलो ये है वो। अभी डैशबोर्ड में क्या करना है हम लोग ने? नहीं मुझको, मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, अगर अच्छा। आप कंटिन्यू करें मैं बना के इसके अंदर ही अपडेट करूंगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, रिप्लेस करेंगे तो आप। अच्छा ठीक है फिर आप बना लीजिए जी जी ओके। इसने अच्छा फिल्टर सोचे, फिल्टर के ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इसमें कैसा है यासर भाई, इसमें कैसा है वो, जैसे अपने इम्तियाज भाई ऐड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो, मान लो कि एग्जांपल उन्होंने 5 EMA की स्ट्रेटेजी वाले स्टॉक लिए
डेली क्रॉस डेली क्लोज क्रॉस अबाउट 5 EMA उन्होंने ले लिया, मान लो उसमें आ रहे 150 स्टॉक जो 5 EMA को क्रॉस कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी अगर जैसे आप FMCG पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ FMCG के वो 150 में से छटके आ जाएंगे आपके सामने 25 जो ऐसे FMCG के ही रहेंगे। फिर FMCG को आप क्लोज करोगे उसमें से छटके आ जाएंगे, एग्जाम्पल आपके सामने खाली कीजिए एग्जाम्पल। हाँ रिफ्रेश करो अभी ये पेज को, इसको डैशबोर्ड F5 दबाओ ना, F5 दबाओ या फिर रिफ्रेश करो ये पेज को। देखिए अबव 5 EMA हाँ ओके अभी एग्जाम्पल, अभी FMCG पे क्लिक करो, FMCG के स्टॉक ही दिखेंगे आपको। हाँ बस क्लिक करो उस पे, क्या बस ये फिर छटके आ गए बेफिक्र FMCG के। बराबर। अब ये वाले जो 5 के ऊपर आए हैं इनको हम लोग को कैसा देखना है, इनके चार्ट हम लोग को बाजू में एक साथ ओवरलैप करके मिल सकते हैं व्यू? नहीं, इस पे क्लिक करो ना वो यासर भाई, इस पे जो नाम आ रहा है ना जैसे पेज इंडस्ट्री इवेंट टेस्टी बाइट, इस पे क्लिक करो ऑटोमेटिकली चार्ट ऐसा खुल जाएगा। हाँ इस पे देख अच्छा लो या फिर ट्रेडिंग व्यू पे देख लो वो नाम से। हाँ ये डेली टाइम फ्रेम है ना अपनी? ये डेली टाइम फ्रेम की उन्होंने स्कैनर बनाया रहेगा ना, इसको बंद करो, एक काम करो वापिस डैशबोर्ड पे जाओ। हाँ अभी इसमें एक काम करो, इसमें जो अबव 5 EMA है ना उस पर क्लिक करो, अबाउट फाइव उसपे नहीं उसपे व्यू कैरी पे आओ, अबाउट 5 व्यू कैरी पे आओ। हाँ उस पे लेफ्ट साइड में फिल्टर उस पे आओ, फिल्टर्स पे, फिल्टर्स पे आओ। हाँ इन्होंने लिखे है डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली EMA 5 बराबर लिखे हैं उन्होंने बराबर। ऐसा है अब इसमें अपन क्वेरी ऐड अभी। कर देते हैं थोड़ी सी और, रुको इसमें हाँ क्वेरी इस पे ऐड कर दो करेंगे, आप। 3 दिन का अपन फॉर्म दिखाएंगे, 3 दिन का। हाँ ऐसा ये ठीक सब है ऐड करो उसमें आप। हाँ चलो ठीक है, एक मैं काम करता हूँ इसको पहले वो करता हूँ। क्लोज कहाँ गया ये? नहीं, इसमें आप करो, लेकिन क्या अपडेट जो है ना वो अपने क्या नाम है अपने इम्तियाज भाई कर पाएंगे, तो इम्तियाज भाई सेटिंग नहीं देख नहीं लो होगा आप होगा होगा होगा, नहीं कोई कर सकता प्रॉब्लम हूँ मैं फिजिकल के वो लिए कुछ बना के? अच्छा सकते हैं कर सकते हैं। अभी ये मैं सबको सेव, एक्सेस, मतलब ये एक्सेसिबल नहीं होता ही है, आप चेंज करेंगे हो अच्छा जाएगा। जो सेव भी होएगा क्या? जी, अच्छा फिर ठीक है, फिर करो यासर भाई आप, मेरे को लगा अच्छा आपके लॉगिन से तो आप ही सेव कर सकते हैं ऐसा मेरे को लगा। तो नहीं मैं नहीं ये इसको ग्रेटर लेजर लगाऊं, देन, नहीं, लेजर क्रॉस को अबाउ करो, क्रॉस अबाउ नहीं, लेस इसमें देन सेल इसमें कुछ क्रॉस नहीं अबाउ नहीं से नहीं लेस नहीं नहीं, नहीं देन इसमें यासर क्रॉस। भाई ना इम्तियाज भाई कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं जो उनके लॉजिक से वो होनी चाहिए, तो सही कर रहे हो, करने देते हैं। नहीं ये लेजर यासर सेल भाई कर रहे हैं, क्रॉस मैं खुद तो देख रहा हूँ। हाँ लेजर यासर सेल भाई इन कर रहे हैं। क्रॉस को हाँ मैं छोटा बताना चाह रहा हूँ, मतलब मार्केट को गिरावा दिखाना चाह रहा हूँ मैं, मार्केट को अबाव करता हूँ ना, नहीं, क्रॉस अबाव, क्रॉस अबाव क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेस देन करना है अपने को। गिरा हुआ दिखाना है इनको, कम दिखाना है, नीचे से जो स्टॉक गिर अच्छा चुके हैं वहां से उठने वाले ठीक, हैं ऐसा उनको कम दिखाना है दिखाना है तो इम्तियाज लेस भाई। देन दबाओ, और अब दिखाना है तो ग्रेटर देन। अबाव कर रहा हूं मैं, ठीक है तीन दिन तक मार्केट गिराना चाह रहा हूं मैं, 3 दिन तक, उसके बाद अपन देखेंगे क्या होता है। डन, ये बैठ रहा है मामला? ये तो उठा हुआ दिख रहा है, गिरा हुआ थोड़ी दिख रहा है भाई, हाँ ये उठा हुआ, चेक है ना ये उठा हुआ, हाँ लेस देन पिछले करना दिन से उठा हुआ, पड़ेगा, लेस देन करना होगा ना भाई यासर भाई। 3 दिन का मोमेंटम तीन दिन से मतलब 3 दिन का मोमेंटम ग्रीन दिखाएगा। ग्रीन कैंडल दिखेगी, मतलब 3 दिन का जो मार्केट था वो छोटा था ऐसा दिखा रहा है ये तो, तो आपको ऐसे ही दिखाना है ना, क्या क्या बड़ा हुआ दिखाना है। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा ये दिखाना है, अच्छा पुराना फिर ओके पुराना आप ज्यादा ऊपर होना चाहिए, पुराना समझ रहे, समझा समझा है सर भाई, ठीक है आपके हिसाब पुराना से था करो ऊपर आप। होना चाहिए, फिर उठ रहा है मार्केट ऊपर, तो अपने को और 1-2 दिन जाना पड़ेगा इसमें। कैसे जाना पड़ेगा अपने को? 1-2 दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब अब मेरे को आना चाहिए 2 दिन पहले पे क्लोज। ठीक है ये भी ठीक ही है, नहीं, 1 डे अगो, 1 डे अगो क्लोज, क्लोज अबाउट 2 डे अगो, एक मिनट बैक लेस करूं, बैग बैग। ये बैग नहीं, फिल्टर 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 बैग मत, फिल्टर। देखो इसके अंदर यानी आज का करंट डेट इससे लेस देन होना चाहिए पिछले एक कैंडल से।
ये देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि मार्केट ये दिन जो था ये तीसरा दिन था ऊपर है, दूसरा दिन ऊपर है पहले दिन के, ठीक है। और पहले दिन को अपन बताना चाह रहे कि ईएमएफआई से ऊपर निकला है, ईएमएफआई से ऊपर निकला है, ठीक है बराबर। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे पुराने दिन है, पुराना ऊपर था, ग्रेटर था दूसरे दिन के ऊपर, ठीक है। दूसरा दिन ग्रेटर था पहले दिन के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसा बता रहे कि कंटिन्यू चार दिन ऊपर ही है मार्केट, ऐसा आपने मतलब कंडीशन डाली है, ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। मैं एक चीज और चाह रहा हूं इसमें, चलो वो कर लेते, इसको मैं चार करता हूं और स्टोरी रिवर्स करना भी शुरू करते, इसको तीन करता हूं, इसको तीन करता हूं, इसको दो करता हूं, और अब मार्केट रिवर्स होना शुरू होना चाहिए। अब ये होगा कि नहीं ये नहीं बता अभी, इसको कैसा अचीव करना चाहिए अपनों ने। अभी अपन क्लोज है तो अभी अपन को हाई वाई पे आना पड़ेगा। तो वन डे अगे क्लोज जो भी है या टू डे अगो क्लोज जो है वो डेली या वन डे आगे के क्लोज के ऊपर लेस देन हो गया। अब ये चीज तो अपने को अंदर जाके मालूम पड़ेगी, अंदर जाके कैसे देखो, इसको रन करूं पहले, अंदर कैसे जाओ स्टॉक्स में, कहा तो उसको ट्रेडिंग व्यू पे देख लो, कॉपी करके आप ट्रेडिंग व्यू पे देख लो। लीकेबल नहीं है ना ये, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मैंने जो सोचा है देखते पहले हो रहा है क्या वैसा, गोदरेज, अरे यार क्या हो गया, इंडस्ट्रीज, ठीक है देखो जैसा सोच रहे वैसा हो रहा है क्या, डेली पे आता हूं, ये देखो यस वैसी हो रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ईएमएफआई पे आता हूं मैं, दूसरे बंद करता हूं, ये देखो तीसरा दिन का क्लोज ऊपर था, दूसरे दिन का, पहले दिन का, फिर रिवर्स होना शुरू हो गया। अब मैंने ऐसा बोला था कि तीसरे दिन का ऊपर है क्लोज, तो ये क्लोज है देखो, चौथे दिन का क्लोज सॉरी, उसके बाद में तीसरे दिन का क्लोज, दूसरे दिन का क्लोज, बट एक दिन पहले का क्लोज इसके ऊपर आ जाना चाहिए डेली को। अभी आज के दिन का नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले वाला जो दिन है वन डे अगो का क्लोज इस ऊपर हो जाना चाहिए, ऊपर तो नहीं है भाई, नीचे ही हो गई या थोड़ा सा इक्वल होगा। अब ये मैं फाइव से निकला है तो ये स्टॉक शायद स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे लिए, अब इसमें एंट्री बनती है। ऐसा ही अगर दूसरा निकल के आता है तो देखते हैं अपन दूसरा कौन सा आ रहा है, इंडाल को देख लेता हूं, मामला तो आया है वैसा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ईएमएफआई अच्छे से वर्क कब करता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर उठ रहा है, और वो वाला मार्केट हम लोग को मालूम पड़ जाए नीचे से ऊपर उठने वाला। अब जैसा ये मार्केट गिर रहा था बट अब यहां से रिवर्स भी ले लिया, बट ईएमए के ऊपर ही चल रहा है पूरा मार्केट, ये भी एक बात है, स्ट्रेटेजी को सही से समझना पड़ेगा अपने को, स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ईएमएफआई का, सही बात है, लेकिन ईएमएफआई का ऐसा है कि बहुत जल्दी एंट्री भी देगा, बहुत जल्दी एग्जिट भी देगा, प्राइस के साथ ही चलता है वो, ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता प्राइस में, इसीलिए ईएमए 20 बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि जो एफआईआईज की पसंदीदा जो ईएमए है वो 20 माना जाता है। ट्वेंटी पे मामले कैसे रहते हैं देखो, इतना ज्यादा उसमें वो नहीं होता है, नॉइज नहीं होती है, सीधा 20 को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है समझ जाओ कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा, 20 से बहुत दूर चला गया तो समझ जाओ मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही आएगा, तो ये चीज थोड़ी चलती है एमए 20 के साथ में। देखो यहाँ पर भी क्लियर क्लियर दिख रहा है एकदम, रिस्पेक्ट करता है इसको, अब इसके नीचे जाने लगा तो नीचे गया, फिर ऊपर जाने लगा है तो ऊपर ही जा रहा है, ऐसे तीन साइकिल लेता ही है कभी मार्केट और मामले चलते हैं। कुछ इसमें करना है एड, इसमें चीजें कुछ मतलब एडिशन करना है, इसमें स्कैनर को चेंज करना है, कुछ और चीजें ऐड करनी है, बस अब इसमें ये ब्रेथ वाला काम, ब्रेथ वाला काम हो जाएगा तो बजाज का वो प्रिंट वर्जन नहीं लेना पड़ेगा।
सर एक आशीर भाई मेरे पास, मेरे पास प्रेत वाला भी है, इसके अंदर ऐड करूं? करो ना वो, हाँ कर दो ना, वो भी ऐड कर दो। बना तो दिया भी यासर भाई ने, सेव कर दो यासर भाई इसको। एक मिनट में मैं इसको इसके अंदर ही अपडेट करता हूँ, आप इसको कॉपी बना के रख लीजिए। शायद मेरे ख्याल से आप कॉपी नहीं करेंगे तो ये बाद में उड़ जाएगा, आपने जो चेंजेस। नहीं नहीं वही वही, इसको कॉपी करो और वही मैं बता रहा था इम्तियाज भाई, आपको ही सेव करना पड़ेगा, ये नहीं कर पाएंगे यासर जी। जी जी मैं सेव कर लिया, मेरे को ही करना चाहिए था। हाँ ये भी चला जाएगा सब, ये ऐसा है तो ये मैं शेयर कर सकता हूँ ना। इसको इसको एक काम करो, हाँ ऊपर कॉपी कर लो, कॉपी करके आप आपके पास सेव कर लो चाहिए तो यासर भाई। कॉपी करके मेरे पास अगर सेव करना है मैंने, तो चलो मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ होता है क्या। आप आपके चैटिंग में जाओ, आप आपके चैटिंग में जाके सेव कर सकते हो और उस पे क्लिक करो ना, इस पे क्लिक करना था लाल पे, कैश सेगमेंट जो लिखा है उसके बाजू में डायर क्लिक करो। हाँ नहीं हो रहा था, तो एक काम करो एक एक लाइन कॉपी कर लो फटाफट से, एक एक लाइन कॉपी कर लो। यासर भाई मैं जो बोलता हूँ आप ऐसे करो, यासर भाई आप सिंपल से मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप सेक्टर जो सेक्टर वाइज लिखा हुआ है ना वहां पे आइए, यहाँ पे कॉपी है नहीं बाजू में, कॉपी के ऊपर क्लिक कीजिए, जो सिंबल बना वहां नहीं, जहाँ कॉपी लिखा वहां पे ये ना। हाँ नहीं ना, हाँ ये जैसे ही कॉपी करेंगे तो आपके पास जो डैशबोर्ड है हाँ यहाँ पे कॉपी कीजिए। नहीं हो रहा है? नहीं रिफ्रेश कीजिए, आप रिफ्रेश कीजिए, लॉगिन करना पड़ेगा सबसे सिंपल, लॉगिन करो। हाँ लॉगिन कर लो आप। ओके आप आइए, मैं जो भेजा हूँ लिंक पे देखिए बढ़ गया, मैं जो अभी डाला हूँ एक और मैं बाद में बताता हूँ, ये मार्केट मार्केट ब्रेक। कॉपी अभी इसको कॉपी कीजिए, अभी तो आपका कोई डैश बोर्ड बना हुआ है? है जी जी आप कॉपी कीजिए, आपका कोई डैश बोर्ड बना हुआ है? ये 1 2 3 अभी बना है, इसमें सेव करना है। हाँ इसमें ही करना है तो सेव बोलो, इसमें ही करना है तो सेव बोलो, दूसरा भी कीजिए ऐसे ही, दूसरा भी कीजिए आप ऐसे ही, उसमें ही सेव कीजिए, तीसरा भी कीजिए। ओके अब ये क्लोज कीजिए, मेरी लिंक क्लोज कीजिए और आपके पास जाइए 1 2 3 4। फिर रीस्टार्ट पीसी भी 2 मिनट लगेंगे। ये लास्ट वाला क्या था उसमें ग्राफिकल मार्केट ब्रेक? वही विवेक बजाज का, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास काफी स्कैनर है, अब ये बारी भाई हमको सिखा देवे अगर तो हम भी मार्केट ब्रेक देखना पड़ेगा समझ लेंगे। मैं कब से कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, तो आओ ना भाई सब लोग हरकत में बरकत रहेंगे इंशाल्लाह। क्या बारी भाई? अरे इम्तियाज भाई है ना मजे लेने आते हैं अपन बच्चों। कैसे वो बांटने से बटता है ये चीज है, वो विवेक बजाज जो बताता है ना मार्केट ब्रेथ, वो थोड़ा सा मेरे को समझा नहीं है, अगर बारी भाई थोड़ा एक्सप्लेन करे तो शायद समझ जाए क्या वो उसकी लैंग्वेज में सिखाता है, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उसको। पर ब्रेथ को कैलकुलेट करने के पैरामीटर्स, तो अभी जो मैं ये डाला हूँ देखिए तो आपको ये वो वही करता है कि क्या करता है ये? एक मिनट। हाँ जी जी ओपन होगा ना तो इसका फिल्टर आउट चेक कीजिए, इसके कॉलम चेक कीजिए, या यही फॉलो करता है कि कुछ और करता है, मेरे को नहीं समझा अभी तक। अरे वो एक्सेल का हीरो है वो विवेक बजाज, मास्टर है जी जी एक्सेल और गूगल क्या बोलते हैं उसने मुंह से बोला है ना, जिसको एक्सेल आता है उसको स्टॉक मार्केट में बहुत फायदा है, मतलब एक्सेल से बहुत कुछ फायदा हो जाएगा आपको। आ रही भाई स्क्रीन जी आई, अभी अपने को क्या करना है, अपने को 1 2 3 पे जाना है आपके डैशबोर्ड में। हाँ अभी मैं जैसा मेरा था आपका है, अब चेक कीजिए ये क्या है, बारी भाई बताएंगे इसका। हाँ क्यूरी में जाइए एडिट, देखिए बारी भाई आप बताइए क्या है।
भाई यासर भाई खुद एक्सपर्ट है यार, का नाम ले रहा हूँ आप हमारा, लेकिन मैं देख रहा हूँ चार्टिंग में नहीं है, चार्टिंग को छोड़ के आप बात करो। नहीं एक्चुअली यासर भाई वो अपना आपका ब्रेथ वाला वो दिखाना एक मिनट स्क्रीन। ये देखो ये पैरामीटर्स है, हर एक की अपनी अपनी लाइन है, बस सिंपल उसने क्रॉस ओवर किया है RSI करेक्ट, SMA 20, SMA 50, SMA 100। उसने क्या किया ये चाहिए मोटा मोटा एक मिनट, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, RS रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना सब। हाँ करेक्ट, उसने क्या किया मोटा मोटा मालूम भाई, ये सब की एक्सेल फाइल्स है उसके पास में, ये सब की ये पैरामीटर्स लगे हुए, उसको बस ये इंटरफेस पे उसने अपने को दिखाने के लिए रख दिया कलर वाइज, समझ रहे आप मोटा मोटा। जी जी जी, उसके पास ऐसी 20 एक्सेल शीट्स बनी हुई है ये सारे अलग अलग सेक्टर्स की, ठीक है 20 शीट्स बनी हुई है और ये पैरामीटर्स डाले हुए और ये उसका इंटरफेस दिख क्या रहा है अपने को, रोज वही अपडेट होता है डेटा उसको मिलता है 8 रात में और वो अपडेट कर देता है इसमें, समझ रहे अगले दिन के लिए काम का होता है डेटा, मतलब उस दिन काम का नहीं होता है। लेकिन ये मार्केट ब्रेथ होता क्या है, मैं भी समझने का ट्राई कर रहा हूँ क्या ये? ये ब्रेथ का मतलब ही उसने बता दिया कि जो स्टॉक RSI 50 के ऊपर निकलते है वो ब्रेथ मतलब मोमेंटम में, SMA 20 के ऊपर जो अच्छा। निकलते मोमेंटम में 50 को भी डाल दिया उसने, उसमें 100 को भी डाल दिया, हालांकि ये सबको डालने की जरूरत नहीं थी। तो सेक्टर वाइज अगर हम लोग डेली किसी को एनालाइज करना है तो डेली के हिसाब से कौन सी चीज काम की होती है RSI सिर्फ, बराबर है जैसे EMFI बोला बराबर है, तो ये दो चीज का ही खाली हम लोग बना लेवे, जैसे कि ये दो हम लोग पैरामीटर्स लगा देंगे उसमें जो चार्टिंग दे देंगे हम लोग को और ये हम लोग स्क्रिप्ट लगा लेंगे और ये सारे स्टॉक्स पे अप्लाई कर दिए तो ये स्टॉक्स की प्राइस तो मूव करते रहेंगे दिन भर, ठीक है जो जो भी ये पैरामीटर्स में आते रहेंगे वो दिखते रहेंगे, विजिबल होते रहेंगे, बाकी के हाइड होते रहेंगे। बराबर है, विवेक बजाज का चार्टिंग स्कैनर देखो मेरे सेक्टर में, कौन सा आप उसको अभी मेरा जो वही सेक्टर था ना ओपन कीजिए लिंक, मेरी वाली लिंक कीजिए। अच्छा आपकी वाली एक मिनट ओपन कीजिए, इसको कॉपी कीजिए आपके उसमें, इसको ओपन कीजिए आप देखिए क्या ये क्या कर रहा है, ये क्या है इसका फिल्टर आउट, इसमें फिल्टर में जाके एडिट में जाना पड़ेगा, इसमें हम लोग डेली क्लोज क्या है, नहीं नहीं फिल्टर में फिल्टर ब्रैकेट डेली क्लोज 55 डेज एगो जी, यही रिलेटिव स्ट्रेंथ है यासर भाई, 14 पता चल जाए और उसके अंदर हम मोमेंटम स्टॉक्स निकालें। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अगर हमको 2-3 का भी मिल गया 3 एवरेज पकड़ के चलो, यासर भाई पहले आप मेरे को ये बताओ विवेक बजाज का रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 को फॉलो करता है ना? हाँ 55 को करता है बराबर, तो फिर क्या है ये क्या है 55 को फॉलो किया ना, 55 वैल्यू है, वो वैल्यू है डेज नहीं होगा, वो वैल्यू का है डेज है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज है गो, 55 दिन पहले का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, आपको नहीं ध्यान में आएगा तो आपके आपके चार्टिंग स्कैनर में ट्रेडिंग व्यू में जाइए, ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद आप RS लगाइए, RS ट्रेडिंग व्यू में जाके RS लगाइए, वो जो कौन सा लगाता है इंडिकेटर RS हाँ RS लगाता है, उसके आगे किसका रहता है वो बारी भाई बताइए किसका रहता है वो, उसका उसका वो रहता है भारत भारत हाँ भारत भारत ट्रेडर्स, भारत ट्रेडर्स सही बोले, नहीं मिलेगा वो, ये शायद भाई वो यूज कर रहा है यासर भाई, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इस पे मिलेगा सर, है भारत मिलेगा इस पे,
अब देखिए इसकी सेटिंग देखिए, हाँ 12 ट्रेडर ही है, यही है यही है, नहीं आ रहा मेरे पास तो ओपन होता है। नहीं नहीं आपने वो गलत जगह क्लिक कर दिया, गलत जगह क्लिक कर दिया, आप वापस जाओ। हाँ ये हाँ यहाँ क्लिक करो, नीचे आता है क्या? हाँ आ गया आ गया। अब कोई स्टॉक लगाइए, आप निफ्टी लगाए हैं, देखो ये बैक टेस्टिंग है यासर भाई, देखो ये निफ्टी के साथ बिल्कुल चिपक के चल रहा है, मतलब ये उसी को पूरा फॉलो करता है। अब जो मेरे चार्टिंग स्कैनर में आया है ना डैशबोर्ड में, वो वाला यहाँ पे स्टॉक ओपन कीजिए, देखो क्रॉस अबव हुआ होगा। नहीं अभी आ, देखो ये इसकी सेटिंग देखिए, इसकी सेटिंग देखिए, अभी कौन सा स्टॉक आया है? ईपीएल है। नहीं मेरे चार्टिंग में कौन सा स्कैनर आया है? अभी आया है ये वाला, कौन सा बॉश है ना नीचे नीचे? नहीं नहीं नीचे 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 नीचे, ये ये हाँ ओपन कीजिए। देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ अब जीरो हुआ, कहाँ गया ये? क्या नीचे से अब जीरो बढ़ा ना, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से ऊपर गया ना, जीरो लाइन के ऊपर गया ना। और कोई दूसरा स्टॉक लगाइए सर, मेरे ख्याल से ये वो है ना पेनी स्टॉक है कि क्या है ये, एक ही दिन में कितना परसेंट दिया? 20-20% 20% नीचे लेता हूँ। जी जी देखिए जी, बालाजी एमआई से ही है क्या वो? हाँ अब बहुत जीरो जाना चाहिए, नहीं आया ना इधर से। ये तो है, एक मिनट इसकी सेटिंग देखने दो मुझे, 55 जी, है क्या? जी देखिए हाँ इसको 55 कर दीजिए, नहीं नहीं वहीं पे पीछे पीछे इनपुट में 55 कीजिए, ये 1-2-3 है, ऊपर ऊपर 55 कीजिए, नहीं ऊपर 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 1-2-3 पीरियड ये, हाँ ये नीचे भी ब्रेड है, नीचे नीचे जो है ना, नहीं नीचे आरएस का ट्रेंड है उसको ना मत कीजिए, ऊपर ही का सही है। देखो निफ्टी से रिलेटिव स्ट्रेंथ करेगा, देखो क्रॉस अब हुआ जीरो लाइन से, यही सेटिंग करता है और वही का वो चार्टिंग स्कैनर है वो। ओके तो वो 55 अब 55 बैक से ही करता है, आप कभी भी उसका ओपन कीजिए, कहीं पे भी उसकी वीडियो मिलेगी ना, एक काम करते हैं ना, उसका इसमें घुसते अंदर अपन एवरेज, जी जी जाइए जाइए देखिए आरएस 55 कहाँ है, ब्रेथ में उसका दिख रहा है क्या अपने को? नहीं वैसा नहीं दिखेगा अपने को, नहीं स्टॉप में जाइए, हाँ गेनर में यही वाला ओपन कीजिए, देखो नहीं इसके टेक्निकल्स में आते ना पहले, आरएस 55 कहाँ दिख रहा है अपने को? नहीं बैग आई है, आप अंदर आ गए? नहीं नहीं यही है यही है यही है यही है, ये क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है ना ये ना, नहीं ऊपर ऊपर ऊपर, ये तो बेंचमार्क है, आइए यही वाला तो आरएस ही हो गया हूँ। मोमेंटम के लिए ये पांच चीजें हैं इसके पास, पांच छह। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो दिख रहा है ना ये वही है शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ। देखो वो एक अडैप्टिव यूज करता है और एक और यूज करता है, देखो नीचे अडैप्टिव है ना, जो निफ्टी के ऊपर जा रहा है यही है ना बेंचमार्क, बेंचमार्क इंडेक्स, हाँ यही है आरएस, एक सेक्टर इंडेक्स भी है, एक ये भी, ये सारे लगा रहा है वो, देखो तो देखो ना पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा है ना, जीरो लाइन को अबव गया ना, अब जीरो लाइन से गया, ये सारे पैरामीटर्स लगा रहा है वो, ये सारे पैरामीटर्स लगा रहा है टेक्निकल में। जी यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि वो उसका जो स्कैनर है ना, स्कैनर भी वही है वो, देखो ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव होगा ना तो मेरा स्कैनर भी पॉजिटिव बताएगा, मीनिंग उसका आ गया और देखो इसमें देगा उसकी स्क्रिप्ट उसके पास है लिखी हुई जिसको अप्लाई करना, वहीं पे मिलेगा, वहीं पे मिलेगा इस पे, हाँ ये जो आप देख रहे थे ना उसकी मीनिंग तो देखो 55 ट्रेडिंग डे है ना डाउन में, देखो 55 ट्रेडिंग डे है, हाँ वही सिग्निफिकेंट नीचे देख, हाँ वहीं पे देखिए, देखो ये 55 ट्रेडिंग डेज लिखा, तो वो स्कैनर जो बना हुआ है ना 55 का ही आया है,
आप अगर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जब जीरो लाइन के ऊपर जाता है, जब भी उसके अंदर मोमेंटम आता है ना, वो बोलता है विवेक बजाज, तो वो चार्टिंग मेरा वही चार्टिंग है। एक मिनट रुको, और एक तो स्ट्रॉन्ग नीचे वाले देखता हूं मैं, पॉलीप्लेक्स देखिए देखिए, देखे उसका आर एस इंडेक्स ये अप्लाई करता है कि जितना मैंने उसको पढ़ा था, पता नहीं वो निफ्टी को जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक दिखाता है, करेक्ट है ना? वही तो आप क्या करेंगे अगर आप इंडस्ट्री भी करना चाहेंगे ना यासर भाई, तो उसको वहां चेंज कर देंगे तो इंडस्ट्री पे चला जाएगा, 500 पे करना चाहेंगे तो 500 पे चला जाएगा। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की सेटिंग में जाइए, आप इंडिकेटर के यहाँ पे जो निफ्टी लिखा अगर वो चेंज करके आप जिससे भी करेंगे, मान के चलो कोई आप आईटी स्टॉक को आईटी के उससे चेंज करना चाहते हो तो वो चेक कीजिए। अब यहाँ पे कीजिए कोई ऐसा स्टॉक देखना है जो आईटी का आउट परफॉर्म कर रहे क्या, तो सीएनएक्स आईटी लगाइए, सीएनएक्स आईटी, नहीं नहीं सीएनएक्स आईटी, या कोई एफएमसीजी का लेना है तो सीएक्स हाँ आईटी इसको कर दीजिए। अब ओके, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ, हाँ आप कोई ऐसे आईटी का स्टॉक देखिए। देखो ये आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन काफी डाउन आ चुका है ऐसे। अब ये जो जो लाइन बनी हुई है ना, ये जीरो लाइन, ये मतलब ये जो जीरो लाइन है वो आईटी का इंडेक्स है, क्या बोलेंगे इसको, आईटी का हाँ इंडेक्स ही बोलेंगे ना। अब और कोई स्टॉक ओपन कीजिए जो आईटी से रिलेटेड हो तो आपको समझेगा कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई के पास नाम होगा तो बताइए, और अगर कोई दूसरा भी सेक्टर होगा तो सेक्टर चेंज कर दीजिए। टेक्नोलॉजी डालो, जेंसर टेक्नोलॉजी, देखो ये क्या हो गया मालूम, उसका बेंचमार्क अगर अपन बदल देंगे ना तो स्टॉक से इंडस्ट्री वाइज भी देख सकते हैं, स्टॉक से सेक्टर भी देख सकते हैं, लेकिन बस यही चीज है कि अपने को कैसे देखना है। और वो क्या करता है, वो निफ्टी से करता है, लेकिन अब मेरे मुझको लगता है कि अगर अपने को कोई चीज ट्रैक करना है ना तो अपने को निफ्टी 500 से करना चाहिए। क्यों, बहुत ढेर सारे 500 में बहुत ढेर सारे स्टॉक है ना, स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप मैक्रो कैप सभी है ना उसके अंदर 500 में। सेटिंग अपने उस दिन चेंज करना चाहिए, किस दिन अपने को देखना है उस दिन सेक्टर एडवांसेस में कौन सा, मतलब स्मॉल कैप भाग रहा है, मिड कैप भाग रहा है, कौन भाग रहा है और इनको कौन बीट कर रहा है, समझ रहे? वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अब देखो अब अगर एफएमसीजी चल रहा है ना तो आप उसको डबल क्लिक कीजिए ऊपर सेक्टर वाइज को, सेक्टर वाइज में से एफएमसीजी है ना उसको डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ एफएमसीजी जो दिखाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं आशीर भाई, आप क्या करें आप वो चार्टिंग में आइए, इसमें डबल क्लिक करें एफएमसीजी ऊपर, पहले नंबर का कौन सा है, इंडस्ट्रियल, हाँ चलो एफएमसीजी कर लेते सेकंड नंबर का, तो नीचे भी वही स्टॉक की लिस्ट है देखो, वही वाले वही वाले। तो अब इसमें से कोई चीज उठाएंगे ना तो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं समझ में आ जाएगा। नीचे का चेंज हुआ क्या? हाँ नीचे का भी हो गया चेंज। कौन सा चेंज? आप सबसे पहले देखो यासर भाई, ऊपर में ना आपका दो दो तीन तीन सिलेक्ट है, थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन कीजिए, देखो यहाँ पे जो टिक है ना ये सबको पहले हटा दीजिए, ये हाँ ये 1 2 3 4 हाँ ये हटाइए टिक मार, नहीं नहीं नीचे नीचे 1 2 3 4 के आगे ये विजिट है ना फिल्टर, विजिट फिल्टर ऊपर सेक्टर वाइज इसको बंद कीजिए, वो भी बंद कीजिए। अब सिर्फ कोई एक सेक्टर करेंगे तो वही आएगा। अब बताओ एफएमसीजी करेंगे ना तो देखो ऊपर टिक मार्क आ गया, अब नीचे जितने भी स्टॉक है ना सब एफएमसीजी के, अच्छा वहां पे 2-3 टिक रहेगा तो 2-3 बताएगा, तो आप सिर्फ सेक्टर वाइज चलेंगे ना तो ये जो सिलेक्ट कर दिए तो अब सिर्फ वही सेक्टर बताएगा एफएमसीजी के, यहाँ पे भी वही दिखाएगा, यहाँ पे भी वही दिखाएगा, यानी सब डैशबोर्ड के जितने भी डैशबोर्ड बने हुए ना सिर्फ एफएमसीजी के बता रहे। अब पहले अगर ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा एफएमसीजी लेंगे, कोई भी एक उठा लीजिए और देखिए आउट परफॉर्म कर रहे क्या, लेकिन ये निफ्टी से है, अभी इसका जो चार्टिंग है स्कैनर वो निफ्टी से है, तो निफ्टी से अगर रिलेटेड करके देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज इलेक्ट्रिकल आता है क्या इसमें एफएमसीजी में? इसको अपने को एफएमसीजी करना, हाँ इधर से चेंज करना है जी। नहीं निफ्टी से कंपेयर कर रहा है ना वो अभी,
अभी एफएमसीजी कर दिया मैंने। आप एफएमसीजी कर दिया मतलब एफएमसीजी से भी कर रहा है और निफ्टी से भी करेगा, निफ्टी भी चेक करेंगे ना उसका स्कैनर तो निफ्टी पे बना है, अगर वहां से अपन चेक करेंगे चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। चलो एक काम करेंगे, एक डैशबोर्ड ऐड करो जिसमें आरएस 55 जो है ना, इंडाइसेस जो होंगे जो भी एफएमसीजी हो आईटी हो, वो निफ्टी को बीट करना चाहिए, समझ रहे? मतलब वो सबसे ऊपर जाना चाहिए निफ्टी के, फिर वही वाले के अंदर घुसने का अपनों ने और स्टॉक्स क्रॉस करने का ऊपर। आपको क्या चाहिए, अबव 55 चाहिए कि 50 चाहिए? इंडाइसेस में सारे जितने भी आते आईटी हो गया एफएमसीजी हो गया सबने निफ्टी को बीट करना चाहिए, जो भी निकलेगा ऊपर उसकी लिस्ट में आना चाहिए। नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। जैसे ये सेक्टर से हो गए, अब इसमें जिसने भी आरएस 55 जिसका निफ्टी के ऊपर निकले हुआ है वो अपने अलग से आ जाना चाहिए। ओके खाली उतने चेक करता हूँ, मेरे पास वो स्कैनर होगा तो अभी भेजता हूँ, नहीं तो फिर बनाने को थोड़ा टाइम लग जाएगा। इत्मीनान से समझ गए ना, फिर उसके अंदर okay. अपने को जाना है सिस्टमेटिक वे में। जी जी चेक करता हूँ, उसके स्टॉक्स तो अपने को निकल के आ जाएंगे और ये क्राइटेरिया के हिसाब से आ जाएंगे, बस अपने को अब इसको छाटना है, इसको ये वाले को। जी अभी देखता हूँ, चेक कर। ओके मोमेंटम का मसला वही है कि इसमें टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। एजिस लॉजिस्टिक्स देखो ना यासर भाई, जब तक वो देख रहे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस माशाल्लाह जबरदस्त सही है। मस्त निकला है रेंज में से, पहली क्वांटिटी समझे ना 798 का बाय बना है, अब कल देखता हूँ काफी ऊपर है कि नीचे है, अब कल देखता हूँ कहाँ जाता है। हाँ कल लंबा वीक बना है, कल जाना चाहिए मेरे को लग रहा ऊपर। हाँ ज्यादा रिजेक्शन तो दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम लग तो नहीं रहा है। खैर अभी इसने ये कोई तो पिवट है जिसको ब्रेक, हाँ ये वाले पिवट को ब्रेक किया है ना इसने, क्लियर दिख रहा है अपने को, मतलब फिलहाल तो सप्लाई बना है ठीक है। ठीक है निकल लेगा इसे इंशाल्लाह, क्योंकि इसने ब्रेक कर ही दिया इसने लेवल को, क्लियर दिख रहा है। टिकट ब्रेक हो गया है, लेट्स सी ये जो रेंज है ये रेंज की ऊपर एंट्री बनती है और फिर ये प्रॉपरली निकलेगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ ये इसको लेते हुए मूविंग एवरेज को यहीं के यहीं निकल सकते हैं, यहाँ नीचे तक नहीं गया है। हाँ मेरे को लग रहा है यहाँ इसे घूमना चाहिए, मेरे को लग रहा है कूल ऑफ हो गया है, मतलब बिल्कुल कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं हुई, बेसिंग के करीब अगर आना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 50% भी ठीक है, 50% से भी वापिस होते हैं स्ट्रॉन्ग, ऐसा ऐसा कुछ बना के निकल ले। ये इसने बहुत मेहनत किया है बंदे ने बनाने में, मतलब ये तो अपन देख के समझना अपने लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये बंदा जब कुछ नहीं होगा तब क्या करता होगा ये, बहुत बड़ा। लेकिन लेकिन ये हाँ काम बड़ा है, लेकिन अपने को वैसा स्कैनर बनाने के लिए और वैसा ट्रैक करने के लिए ना बहुत अपने को मेहनत लगेगी। अब ये ऐसा देखो कंटिन्यूअस दिमाग लगाना एक जगह पर, देखो अभी बैठे बैठे अपने कितना कर लिया माशाल्लाह, तो करे जा रहे अपने भाई भी, तो ये चीज हो जाएंगी अगर मशवरे से चीजें हुई ना तीन चार लोग की आपसी सहमत से हो जाती है चीजें, फिर सब देख के रखा है उसने उल्टा यहाँ पर क्लियर एकदम, पर इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना अपने काम पे उतना अपन बना लिए धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आता है फिर अपना। मैंने भी डैशबोर्ड बनाया है, उसको कभी यूज करता नहीं वैसे या सर्वा में। अच्छा डैशबोर्ड पता नहीं मेरे को खुद ही कहाँ रहते हो डैशबोर्ड, बात वही है कि हर एक का अपना एक सेटअप होता है, ये चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ सही बोले आपने, बड़ी टाइम फ्रेम को देख के फिर से छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाता है, उसने अपने माइंडसेट को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो करता क्या एग्जैक्टली क्या वो, देखो मेरे खुद ही नहीं पता, पुराने पुराने कुछ भी बनते रहते थे तो खैर बराबर है।
मैं 50 वीक 2 वीक हाई के ऊपर जो भी स्टॉक्स रहते थे उनके ब्रेकआउट्स को एनालाइज करता था एक टाइम आया दो टाइम पर बराबर तो वो ठीक है फिर वो स्टॉक्स को मैं प्राइस एक्शन करता था और उसमें फिर एंट्री बनाने की कोशिश करता था 52 वीक हाई का अगर 52 वीक हाई का मैंने एक देखा एक मेजर डिसएडवांटेज ये है नजर हटी दुर्घटना घटी उतनी तेजी से नीचे भी आएगा वो अगर तो तुमने तुम्हारे देता है ना अपने को ऐसे लगाते रहो हाँ लगाते रहो ऐसे लगा के ही काम करना चाहिए हाँ वो बॉटम फिशिंग वाले में क्या है रोज आज आधा परसेंट बढ़ा कल 1% बढ़ा उसमें टेंशन नहीं आता हाँ क्या जाएगा भाई से नीचे क्या जाएगा ऐसा ही सोचता आदमी 52 वीक हाई में क्या होता है हाँ वो जितनी तेजी से भागेगा उतनी तेजी से धड़ाम नीचे फेंकेगा भी तो अभी मैं भी थोड़ा 52 वीक हाई पे ही काम करना हूँ मोमेंटम फास्ट मिलता है कि उतना फास्ट नीचे भी आता है फटाफट प्रॉफिट लेके निकल लेना चाहिए मतलब आपने बस खींच लिया कबड्डी का गेम खेल लिया बस टच करके भाग के आ गए हां वही 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 ज्यादा रुपए के खींच लेंगे वो लोग वही एग्जांपल दूं तो एजिस लॉजिस्टिक्स से लगभग मेरा प्रॉफिट अभी जो हिसाब से नीचे आया वो समझ लो मान लो 5000 प्रॉफिट था तो अभी 2500 रुपए हो मतलब 2800-2900 ऐसा गुजरेगा समझो ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं अब ये स्टॉक ले लो कौन सा था 13% भागा था कल के दिन एक बड़ा कौन सा वाला 13% भाग के नीचे आ गया यासिर भाई अपडेट किया हूं चेक कर लेना आप एक बड़ा इसको पहले आपके पास कॉपी कर ले कौन सा वाला था ये वाला नहीं। यही वाला ये वाला ना जी जी माशाल्लाह इम्तियाज भाई क्या यासर भाई सब आप लोगों से सीखा हुआ है बस खाली कुछ ये, कुछ ये तो मत बोलो ये हिडन टैलेंट को छुपाओ मत तुम हम एग्री नहीं करेंगे ओपन कीजिए देखिए ये कितना अच्छा है एक दिन के अंदर कौन सा सेक्टर RSI के ऊपर है उसके बाद 5 दिन 20 दिन 50 दिन एक 3 महीना 50 DMA EMA सब में बताएगा देखो बट इसमें अपना 55 कवर हो रहा है 55 है तो 50 डे हो जाएगा ना ये देखो इसको चेंज करके अगर अपने 55 कर देंगे तो 55 हो जाएगा 50 डे बट किसके रिस्पेक्ट में निफ्टी के किसके मतलब अपना निफ्टी के रिस्पेक्ट में ही रहेगा ना ये 50 जी जी चेक कीजिए हाँ डबल क्लिक कीजिए और एक क्लिक कीजिए जो फर्स्ट पे आया CNX रियलिटी नहीं नहीं माइनस ऊपर कीजिए वापस से वही कीजिए ऊपर हाँ क्लिक करो क्लिक करें देखो रियलिटी जो है ना 50 डेज के ऊपर चल रहा है रियलिटी को अगर चेक करेंगे CNX रियलिटी अब जाओ उसके आपके ट्रेडिंग व्यू में जाओ नहीं नहीं यहाँ पे नहीं ट्रेडिंग व्यू अब उसके अंदर क्या करें आप बेंचमार्क जो था ना पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा था ना आपका हाँ चार्ट आपका रियलिटी लगा लीजिए और वहां पे बेंचमार्क निफ्टी कर दीजिए देखता हूँ RS 55 आता है इसमें नहीं आएगा सर नहीं वो 12 ट्रेडर जो है ना सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लिए बनाया है बेंचमार्क तो निफ्टी चौंक नहीं रही देखो ऐसा दिखा रहा है जीरो तो बहुत नीचे है कब से ऊपर चल रहा है हाँ देखिए ना ये बराबर है ना देखो यहाँ पे पॉइंट कितना दे रहे 23 दिखा रहे तो ये 55 है और वहां पे 50 दिखा रहा है 19 पांच दिन के फर्क से वो 4 पॉइंट कम ज्यादा दिखा रहा है समझा नहीं नहीं कौन सा बोल रहे आप मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में इसका पॉइंट कितना है 0.23 है ना हाँ लेकिन इसका टाइम फ्रेम कितना है 55 है ना अब अगर इसको यहाँ 55 की जगह 50 कर देंगे तो वहाँ 19 दिखाने लगेगा जो कि मेरे स्कैनर में भी दिखा रहा है देखो चेंज करो आप मैं सिर्फ ये बताने चाह रहा हूँ
कि 50 पे मेरा स्कैनर है, उसको 55 वहां करो या तो यहाँ 50 करो, दोनों बात एक ही है। देखो अब बताओ कितना आया, 14 आया, और वहां पे कितना बता रहा है, 0.19 बता रहे। अब मैं चेक करता हूँ कहाँ एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो बस खाली यही चीज है। क्या हो रहा है, रियलिटी जो है ना आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ आउट परफॉर्म कर रहा है किससे, देखो ये बस यही थोड़ा माइनर चेंजेस रहेगा, एकदम स्कैनर बराबर तो नहीं बनता है, लेकिन मेरा बोलने का मकसद यही है कि रियलिटी जो है निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। कितना पॉइंट आउट परफॉर्म कर रहा है, कर सकते हैं क्या टेक्निकल चार्ट में ओवरले कर सकते हैं ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल निफ्टी को रहने दू, निफ्टी को इसमें रहने दू और मैं चार्ट जो भी घुमाते रहू, निफ्टी पीछे रहेगा उसमें, होगा ना वो कंपेयर वाला बटन दबा के अब हो जाएगा। एक मिनट रुको, किधर है ये स्टॉक आपके पास कि निफ्टी है, निफ्टी है तो अब वहां पे देखो निफ्टी 50 जहां पे लिखा है एनएसआई निफ्टी 50 प्लस की निशानी है ना ऊपर 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 और ऊपर, ये प्लस की निशानी, इसके अंदर जो भी सेक्टर आप लगाएंगे या हाँ लगाओ, नहीं तो आप वापस से निफ्टी 50 ही लगा दिए, कोई दूसरा लगाओ ना। आईटी लगाया मैंने, नहीं नहीं क्या फिर मिस्टेक हुई है उसमें, नहीं आ रहा है, आएगा आएगा आया देखो आया। अब कौन सा स्टॉक ऊपर चल रहा है वही आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए, आपकी जो स्क्रीन पे ना टाइम फ्रेम उतना ही रहना चाहिए, बॉटम से करो आप बॉटम वाले नहीं नीचे बॉटम में ये जहां पे टाइम फ्रेम है बॉटम का ये यहाँ पे, अब ये 5 दिन पे सेट हो जाएगा, लगाओ क्लिक करो, 5 दिन का आपका निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है किससे, नहीं आप ये स्क्रीन को छोटा कर देंगे तो ये टाइम बदल जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जो ये भी कैंडल वाइज नहीं आएगा ना, तो चेंज कर दीजिए उसको कैंडल वाले फॉर्म से, वहां लाइन आउट पे चले जाइए, कैंडल नहीं वहां पे ऊपर 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 नहीं वो नहीं होगा यासर भाई, वो नहीं होगा, आपका जो कैंडल है निफ्टी का वो बदल के लाइन कर दीजिए। नहीं मेरे को लाइन नहीं चाहिए, मेरे को कैंडल ही चाहिए। नहीं नहीं कैंडल नहीं आएगा, कंपेयर में कैंडल नहीं आएगी, लाइन आएगी सिर्फ, कंपेयर में कैंडल नहीं आएगा। ओके जी, आप इसके अंदर जितना भी लगाएंगे, मेरे पास तो एक डैश एक बना हुआ है इसके अंदर, मैं क्या करके रखूं, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ से देख रहे हो? नहीं नहीं बस कंपैरिजन चार्ट को देख रहा हूँ, लाइन ही सही है। तो कंपैरिजन चार्ट ये सही है ना, आप ये इसको बॉटम में लेके चले गए, क्या बोलते हैं इसको टॉप में रखो, हाँ इसको टॉप में उड़ा के रखो, कैसा रखो, हाँ उसको डबल इसको इसको क्लिक करके उधर ऊपर उड़ाइए, हाँ इसे पकड़िए, नहीं नहीं हाँ पकड़िए ऊपर उड़ा के लीजिए, एक्चुअल में नहीं पकड़ा रहा है, पहले उसको पकड़िए ये जान, तो फिर से बनाना पड़ेगा, वो नीचे निफ्टी नीचे चला गया, असल में वो डिलीट कर दो क्या बोलते हैं। बट आसान तरीका मेरे को ये लगता है प्राइस एक्शन भाई, ज्यादा तमाचे हो रहे इसमें मेरे पास क्या यासर भाई, मैं क्या किया हूँ मुझको, अगर कभी कोई स्टॉक देखना होता है ना मैं बोला आप रिलैक्स हो जाता हूँ इन्वेस्टिंग पे आता हूँ, इसको मैं क्या करके रखा हूँ इसके अंदर ना, सब कंपेयर करने के वास्ते क्या किया निफ्टी, जैसे आपने लगाया ना निफ्टी, उसके बाद जितने भी इंडेक्सेस आते हैं ना सब इसके अंदर लगा के एक क्या बोलते हैं उसको टेम्पलेट बना के रख लिया हूं। अच्छा तो उसमें क्या होता है जो आउट परफॉर्म करता है 3 दिन 2 दिन 1 घंटा 5 घंटा देखना चाहूं मैं देख सकता हूं। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी आपका निफ्टी लगाओ, ये चार्ट समझो कैंडल स्टिक का निफ्टी कर दीजिए, और कंपेयर के अंदर 2-4 आप सीएनएक्स आईटी फार्मा रियलिटी ऐड करते जाओ, सीएनएक्स फार्मा आईटी किधर है, आईटी हाँ आई नहीं सीएनएक्स आईटी डायरेक्ट लिखिए, सीएनएक्स आईटी डायरेक्ट लिखिए, स्पेस मत दीजिए, हाँ इंडाइसेस में देखिए और स्पेस नहीं दीजिए बीच में, वो सर्च करने लगता है। इंस्टेंस में ये निफ्टी आईटी आता है ना, नहीं नहीं सीएनएक्स आईटी आता है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो उससे फिर आप ये ऐसा एनालिसिस करके, मतलब जो सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है उससे आप वो स्टॉक निकालते हैं वो सेक्टर के, बराबर है? जी मेरा वही बोलना है, देखो फार्मा आ गया और निकालिए और 2-4 स्टॉक निकालिए जब मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को। निफ्टी रियलिटी एफएमसीजी कर लीजिए,
हाँ आया नीचे जी। अभी कौन सा भाग रहा है? ऑटो भाग रहा है क्या? ऑटो देखो भाग रहा है, ऑटो पे लगाओ ऑटो। नहीं मगर निफ्टी की आजू बाजू में लाइन नहीं की तो समझ आएगा ना, ये तो ऊपर नीचे होने से। क्या निफ्टी ये तो है तो कैंडल स्टिक है। एक मिनट। अच्छा ये ऊपर आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब ऊपर ही रहेगा उसके कैंडल स्टिक की। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके ओके। आपका यहाँ पे लिखा भी रहेगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है येलो जो है तो कौन सा है, वहां पे देखो येलो क्या है, येलो कौन सा है। दो दिख रहे हैं ना, सियान कलर और ये ब्लू कलर, ये दोनों जो भी है वो ऊपर। सियान देखो ना क्या है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना राइट क्लिक करके जो इंडिकेटर आ रहा है ना यहाँ साइड में सियान जो 22 पॉइंट दिख रहा है, तो वहीं पे राइट क्लिक करके अगर सिंबल का नाम भी देंगे ना तो यहाँ पे लिखा आएगा। हाँ यहाँ पे लिखा आएगा विजिबिलिटी में है क्या? नहीं नहीं, असल में मेरा क्या सेट टेम्पलेट सेट है, ये अगर 22 दिख रहा है ना तो वो कौन सा इंडिकेटर हुआ है कंपेयर करके, वहां पे मेरे को वो लिस्ट भी आती है कि क्या नाम से। मैं देखो एक स्क्रीन शॉट देखता हूँ। हाँ आता है ना ये इसमें भी होता है। मैं स्क्रीन शॉट भेजता हूँ आपको, ये सेटिंग रहती है, वो सेटिंग करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसमें नहीं मिलेंगी मगर वो, समझ रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग व्यू में आता है। ट्रेडिंग व्यू हाँ, मैं ट्रेडिंग व्यू में ही बोल रहा हूँ, सब ट्रेडिंग व्यू में ही बोल रहा हूँ। हाँ जैसे मैं DJI से अभी कंपेयर कर रहा हूँ तो इसमें मैं इसका अगर सिम्बॉल का नाम डालना चाहूँ, ये सिम्बॉल ओके विजिबिलिटी में नाम को इस टाइम में इसमें भी नहीं है भाई। नहीं नहीं है देखो यासर भाई मैं भेजा हूँ एक स्क्रीनशॉट, ऐसे सेटिंग होती है मेरी। अब इसमें निफ्टी किधर है? तो वहीं लिखा आएगा ना, देखो ना निफ्टी की लाइन कहाँ है, ये देखो निफ्टी जहाँ पे आपका कर्सर वही निफ्टी है इधर इधर। हाँ ये यहाँ पे साइड में सब लिखे है ना कौन सी लाइन आउट परफॉर्म कर रही है। देखो निफ्टी यहाँ पे ब्लू लाइन है प्लस 8.05। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे करने से क्या हो जाता है, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है? अगर मैं वन डे पे भी करूँ ना आपका ये नीचे से बॉटम में वन डे कर देंगे अगर, तो एक दिन के अंदर निफ्टी से कौन ऊपर गया तो वो भी चीज समझ में आ जाती है। सेक्टर अरे वो तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, समझ रहे क्या? ये देखो इंडाइसेस में गया, इस पे परसेंटेज चेंज भी खाली मैं ऐसा कर लिया कि ऊपर वाले आ जाते सब। तो ये तो एक ही दिन का आएगा ना यासर भाई, मैं चाहूंगा कि भाई 5 दिन का देखूं, 1 महीने का देखूं, 3 महीने का देखूं, तो यहीं से चेंज करते करते आ जाएगा। तो यहाँ पर बस नीचे की टाइम फ्रेम चेंज करना है बस, और स्क्रीन को हिलाना नहीं है। आप करो क्लिक, हाँ ये तीन महीना हुआ, 1 महीना, 5 दिन, ये सिर्फ 5 दिन में निफ्टी से नहीं, ये स्क्रीन आप हिला देते हो तो ये टाइम फ्रेम बदल जाता है। समझ रहा हूँ। ये 1 महीना नहीं, स्क्रीन हिल गई फिर से। 1 मंथ क्या? जी जी, तो ये 1 महीने के टाइम फ्रेम पे है क्या? हाँ ठीक है ओके। तो 1 महीने के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका कैंडल है और ऊपर टॉप में कौन सा है आपका रियलिटी है क्या? एक मिनट निफ्टी को थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ जी। कर नहीं, निफ्टी को मोटा नहीं कर पाएंगे, वो तो कैंडल में ना, वो काय को मोटा। रियलिटी है, निफ्टी रियलिटी ऊपर है भाई। रियलिटी है, निफ्टी की लाइन को मोटा कैसे करूँ? नहीं वो तो कैंडल में है ना, वो मोटा नहीं होगा, यहाँ से होगा शायद। देखो होगा कलर भी अजीब रखने का, ब्लैक रखने का, ब्लैक। जी जी जी, देखो निफ्टी से रियलिटी ऊपर चल रहा है 5-1 महीने में। अब 5 दिन में खाली क्लिक कर देंगे तो 5 दिन का बताएगा, 1 दिन का बताएगा, 3 महीने का बताएगा। ढेर सारे यहाँ मेरे जैसे सिंबल बने हैं तो मेरा एक फायदा ये होता है कि मैं सब टाइम फ्रेम में मुझको आसानी से दिख जाता है। एक दिन का, 5 दिन का, 1 घंटे का भी देखना चाहो तो मैं टाइम फ्रेम में 1 घंटा कर दूंगा, हो जाएगा मेरा काम। इसको मैं सेव कैसे करूं? एक्चुअल में सेव होता नहीं है पहली बात तो, इसको क्या है वो जुगाड़ करना पड़ता है। आप एक नया आईडी बना लीजिए, मतलब ईमेल बना लीजिए और नया ईमेल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लीजिए और वो टेम्पलेट मतलब यही रहेगा, उसको अलग से जब ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे ये टेम्पलेट को सेव कर है, मिल गया मेरे को। आपका पेड वर्जन है क्या? नहीं नहीं, इसमें सब हो जाता। अच्छा ओके, हमको भी दीजिए फिर। अरे ये फायर से? अच्छा फायर में सेट कर रहे हैं, ओके ओके ओके। मैं अभी तक ट्रेडिंग व्यू समझ रहा था इसलिए मैं हो गया
अब ये से हो गया ना, अभी क्या कभी भी ओपन करेंगे तो आपको समझेगा मैं इसमें क्या करता हूँ, सभी लग लेता हूँ, आईटी, रियलिटी, फार्मा और ऑटो, एफएमसीजी, बैंक और निफ्टी, ये अपने कोई जरूरत नहीं है तो बैंक को नहीं रखा हूँ। अच्छा देखो ये चार्ट भी आते आ रहा है, इसमें मैं जो ऐड करते आ रहा हूँ, नहीं ऐड कहाँ हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, वो ब्लैक वाला बदल रहा है आपका, हाँ ब्लैक वाला बदल रहा है, क्यों ब्लैक डिफॉल्ट है ना आपका। लक्ष्मी सब स्पीड में कैसे आएंगे, अभी मेरे से टेम्पलेट सेट किया हुआ है और चार्टिंग में किया हुआ है, तो चार्टिंग में कैसे है, मैं तीन आईडी से चार्टिंग चलाता हूँ, एक में ये सेक्टर हो जाता है और दो लोगों को अगर कभी मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, तो दो लोगों के सेटअप जुड़े हुए हैं अलग अलग आईडी पे तो एक के बाजू में एक रखता हूँ तो चार स्क्रीन भी नजर आती है मेरे को अगर कभी देखना हो तो। अभी वो होते हैं ना सेक्टर देखना है और क्या क्या देखना है, तो चार स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर रखना चाहे तो रख सकते हैं। नहीं ये जो चार्टिंग ने काम किया ना डेस्क बनाने का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग ने अच्छे से बना लिया ना ये एटलास वगैरह का, ये सही है, ये चीज है, फटाफट दिख जाते हैं सब। माशाल्लाह मेरे पास काफी ढेर सारे बने हुए जो आपको भेजा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कुछ बनाया हूँ, किधर से कॉपी खींचा हूँ, जो बोलेंगे आपको मिल जाएगा, मलकान व्यू का, आपका स्मृति का, बुंदिया मैम का, जिसको बोलेंगे मेरे पास सबका स्कैनर कहीं ना कहीं सेटअप मिल जाएगा। आप आईटी से है आई थिंक? नहीं मैं सिविल से हूँ, आईटी से तो हमारे बारी भाई है। आप किससे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल? अच्छा ये इंजीनियर लोग सब कर लेते भाई सिविल वाले सब कर लेते माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त भाई, वही चीज है काफी है, मीटिंग से लिए रहा तो मीटिंग से बहुत नॉलेज आती है, सब लोग मिलके जब डिस्कशन होते है ना, एक इंसान अपनी एक अलग रफ्तार में चलता है और सब लोग मिलके कुछ और करते हैं। अभी वो आपका वो ज्यादा चल रहा है ना, क्या बोलते हैं मलकान व्यू का भी, जब जितने भी उसके स्कैनर है मेरे पास लगभग काफी ढेर सारे वो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में जिसका चाहिए उसका मिल जाएगा वो। अच्छा। क्या काफी लोगों के नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ में देखे, फिर विवेक बजाज का है और जिसका बोलेंगे नितिन कुमार का है। अच्छा अपन बनाएंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छा सेटअप, अल्लाह ने चाहा तो। आप बताएं मैं इंशाल्लाह सेटअप कहीं ना कहीं बना ही सकता हूँ या तो मेरे पास कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, माइंड में है ना चीजें, मैं इंशाल्लाह आपको बोलता हूँ वो हिसाब से, ब्रेथ के हिसाब से काम करेंगे अपन। और इसमें जो 8 बजे अपने को डेटा मिलता है, इसका 8 बजे का अपने को डायरेक्ट डेटा मिलना चाहिए, उसमें 5 मिनट डिले रहता है, 5 मिनट डिले मिल जाएगा। हाँ वो चलेगा, वो चलेगा, लाइव मार्केट का डेटा चलता है 5 मिनट डिले का, बट ये 8 बजे के बाद नहीं चलता अपने को। नहीं नहीं सब चलेगा, ये सब चलेगा। चलो ठीक है इंशाल्लाह बनाएंगे। 3:30 पे मार्केट बंद हो जाती है ना, तो ये जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे टॉप में इंडाइसेस स्टेट दिखाई गए 13 तारीख को 3:30 ये। अब ये नहीं चेंज होगा ना, नहीं, नहीं। क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई, लेकिन जब अगर आप वर्किंग आवर्स के अंदर रिफ्रेश करेंगे ना तो जो टाइम रिफ्रेश करेंगे वो टाइम यहाँ पे दिखाएगा। बराबर बराबर सही है। तो फिर क्या चाहिए अब इससे ज्यादा, 5 मिनट डिले रहेगा। हाँ मतलब इससे अच्छा ही हो गया ना ये, इससे तो अच्छा ही हो गया ना ये बोलना चाह रहा था। हाँ ये तो खाली रात में शाम को आपको बताएगा। अब ये चीज जैसे मैं 50 RSI का RS का मैं जो 55 का आपको सेटिंग दिया, अब ऐसे ही RS 55 का SME का बना लेता हूँ और बाजू बाजू में ये डैशबोर्ड रख देंगे तो वही रन करेगा या ओपन मार्केट में रन करेगा ये शाम में देगा। देखो एक काम करो, ये जो लिस्ट है ना ये लिस्ट निकालनी है सबसे पहले, कहाँ मिलेंगी आपको, सीधा जाओ स्पिनर पे और यहाँ पे ये लिस्ट मिल जाएंगी, फीड में आने का है, फीड में आने के बाद सॉरी स्क्रीन में आने का है, ये यहाँ से मिल जाएंगी, ये दिख रहे सब अलग अलग, जी जी मिल रहे ना सब, तो इनकी जी, एक जी, बार एक्सेल बन गई ना तो ये सब पे अपना एक्सपोर्ट कर देने का यहाँ से और अपने एक्सेल में सेव कर देने का उसके नाम से। अच्छा 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 ठीक है, ये सारे एक साथ जब जमा हो जाएंगे ना और इनका डेटा ऑनलाइन के लिए स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी अपने को, ऑनलाइन जो चल रहा है इनकी प्राइस, वो स्क्रिप्ट की भी यूट्यूब पे है वीडियोस वगैरह, कोई एक की मालूम पड़ गई तो सब पे अप्लाई हो जाती है वो। ठीक है तो सारे अप्लाई हो जाएंगे और अपने फॉर्मूले 3 चलेंगे साथ में, वही RS55 वाला, RSI50 वाला और EMA वगैरह की कोई भी एक उठा लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे EMA 20 को सपोर्ट करने वाले स्कैनर्स बना लेंगे अपन और EMA से अच्छे रिस्पेक्ट मिलते हैं, ये SMA जो होता है SMA 200 से अच्छे रिस्पेक्ट मिलते हैं मार्केट को, और 52 वीक हाई जो रहेगा वो एक अच्छे पॉइंट्स होते हैं जिसपे
मोमेंटम आती है मार्केट में, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बना लेने का आप उन्होंने अपने एडवांसमेंट के हिसाब से, कुछ भी नए नए जी जी ओके सेटअप अपना रहेगा वो इंशाल्लाह, ठीक है जमेगा तो एक्सपोर्ट कर करके फटाफट एक फोल्डर बना लो इसका। जी जी मैं इसको, लेकिन क्या होता है इसके बाद जब पेड वर्जन होता है ना, जब भी एक्सपोर्ट होता है, नहीं तो ये कॉपी करना पड़ेगा। एक मिनट देखता हूँ मैं इसको, कॉपी सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा, डाटा सेव नहीं होगा, पेड वर्जन करना पड़ेगा। तो इसको, इसका भी जुगाड़ ऐसा है कि आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ये इसको सिलेक्ट कीजिए और एक्सेल में डाउनलोड कीजिए, नहीं ऐसे नहीं पूरा सिलेक्ट कीजिए। अच्छा हाँ वो हो जाता है बराबर, एक्सेल में हो जाता है बराबर जी, इसको एक्सेल में डाउनलोड कर दे, हो गया डाउनलोड यानी पेस्ट कर दे, हो जाएगा बराबर बराबर हो जाता है। मेरे पास काफी बने हुए ये भी, लेकिन अच्छा। क्या है आपको इतना ट्रैक कहाँ करना नहीं उसमें से ट्रैक करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे कौन से आ रहे हैं ऊपर उसी में। नहीं, अभी एक और छोटी सी चीज मैं बोलूंगा, जैसे एग्जांपल भाई ने बताया इम्तियाज भाई ने बहुत सही है, और मतलब अभी कैसे किसी के पास अभी ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक इंडिकेटर डालना पड़ेगा, बराबर ना इम्तियाज भाई जी, बराबर ना इम्तियाज भाई, सही बोल रहा हूँ ना जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं खाली बता रहा हूँ, उसके लिए एक और शॉर्टकट है, शायद सबको मालूम रहेगा, वो ट्रेंड लाइन में जाके भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन में, उसमें एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, छह महीना, तीन महीना, वो भी जगह पे आपको दिखा देगा, वो जगह पे, यही जो बता रहे इम्तियाज भाई जो बता रहे वो एडवांस लेवल हो गया, अपने जैसे के लिए जो बेचारा इतना नहीं कर पाएगा एग्जाम्पल या फिर पेड वर्जन नहीं ले पाएगा, उसके लिए ट्रेंड लाइन है। अभी अगर यासर भाई ट्रेंड लाइन पे जाएंगे तो उधर वो उधर भी दिख जाएगा फटाक से, मतलब ये तो अभी इम्तियाज भाई जो बात करे वो एडवांस लेवल की कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे कहाँ भाई हम, आप हमको सेक्टर बता रहे, इंडाइसेस बता रहे, कौन सा स्टॉक लेना है वो बताओ, ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे, सीधी बात बराबर ना यासर भाई मेरे पास ना इसका भी पेड वर्जन है, बारी भाई को पता है। अच्छा अच्छा, सब लिस्ट बना के मेरे पास रखी हुई है। अच्छा, ट्रेंड लाइन में मार्केट, यासर भाई मैं आपको फॉलो करके ना, वो जो आपने सुपरस्टार का वो सब लिस्ट भेजी हुई थी ना बराबर, उसके ऊपर भी मैं काफी काम किया हूँ, लेकिन क्या है कुछ बिजी होने की वजह से कुछ सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाया, जो आपने लेफ्ट साइड में ट्रेडर मार्केट पे क्लिक करो, बराबर है। हाँ बराबर है, वो चीज को मैं काफी अच्छी से ट्रैक किया था, ट्रैक प्रो ट्रैक करो, उसमें फायदा ही होगा इंशाल्लाह, नुकसान तो होगा ही। उसमें मार्केट पे क्लिक किया आपने, मार्केट पे क्लिक करो लेफ्ट साइड में टॉप पे, हाँ उस पर क्लिक करो, इसमें देखो सेक्टर एडवांसेस आया, इसमें राइट साइड में आप क्लिक करो व्यू पे, व्यू क्या नाम व्यू डैशबोर्ड पे, ये जो है ना इन, हाँ इसमें राइट साइड में व्यू डैशबोर्ड, राइट साइड सीधे हाथ की तरफ, हाँ अभी यहाँ पे आप आओगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको दिख गया पूरा डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, हाँ यहाँ पे आपको देखो ग्लोबल इंडाइसेस तो नहीं, उसमें आप देखिए इंडाइसेस सेक्टर इंडस्ट्री उस पर क्लिक कीजिए, इंडाइसेस पे क्लिक कीजिए, चलिए जैसे एग्जांपल, हाँ अभी इसमें आइए, अभी इस पर क्लिक कीजिए, एक महीने में कौन सा चला है, सेक्टर कौन सा चला है, अभी कौन सा सबसे ज्यादा ग्रीन है वो सबसे ज्यादा चल रहा है, एक हफ्ते में कौन सा ज्यादा चला है, जो सबसे ज्यादा ग्रीन है वो चल रहा है, एक महीने में कौन सा चला है, एक महीने में, तो जो जो है आपके सामने इसमें भी पूरा डेटा है वो भी देख सकता है, और उस पर क्लिक करेगा तो उसके सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो स्टॉक आते हैं वो नीचे आ गए आपके सामने, मतलब इधर उधर ढूंढना ही नहीं अपने को, घूमना ही नहीं अपने को, उसी के नीचे आ गए, वो इंडस्ट्री पे क्लिक करो वो इंडस्ट्री के स्टॉक, वो सेक्टर पे क्लिक करो वो सेक्टर के स्टॉक आपके सामने, आसान तरीका यही है ना। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, बहुत आसान तरीका है यासर भाई। हाँ नहीं मगर इनका जो काम करने का तरीका है ना, इसमें इसमें अपन क्या करना चाह रहे थे, अपने को ये सब भी नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है वो अपनी स्पीड बताएंगे, समझ रहे, अपनी स्पीड बताएंगे कि कौन सा सेक्टर निकल के आ रहा है, अपनी स्पीड बताएंगे कौन से स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, बराबर है बराबर है, प्राइस उठा लो ऊपर के, प्राइस एक्शन कर लो, एंट्री एग्जिट कर लो उसमें, बराबर है सही बात है, बड़ा डेटा ये तो वाकई में जबरदस्त है। अभी एग्जांपल एक बराबर है, अब रियलिटी, रियलिटी में देखोगे तो कौन से स्टॉक आज भागे है, उसमें कौन कौन सी चीजें आई आपके सामने, इसका चार्ट अपने को इसमें दिख सकता है, नहीं नहीं उसका चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में देखना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर नहीं आएगा, ये खाली ऐसा लाइन चार्ट रहेगा बस,
प्रॉपर चार्ट इसका ट्रेडिंग में, पेड वर्जन में थोड़ा आता है, अच्छा तरीके का आता है, फ्री वर्जन में शायद नहीं है। मेरे पास पेड वर्जन में अच्छा आता है, लेकिन क्या है ट्रेडिंग व्यू में और अपना जीरोधा में फायर्स में जितने इंडिकेटर ये सब लगा सकते हैं ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। मैं तो इस पे चार्ट देखता ही नहीं, इस पे तो खाली समझो अपने को मालूम पड़ गया वही उतना ही देखते हैं। सही बोल रहे आपने, बहुत अच्छा है, इसमें चीजें इजीली हो जा रही है ना, कितनी स्पीड में पहुंच गए अपन, मतलब हाँ वही बता रहा हूँ मैं, ये जो बता रहे वो जो बता रहे इम्तियाज भाई वो एडवांस लेवल हो गया। एडवांस लेवल मतलब क्या है कि मतलब एग्जांपल जो बैठा है, अरे भाई ये रियलिटी यहाँ से क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको बीट करेगा तो ऊपर जाएगा, तो वो एडवांस लेवल हो गया। अपने जैसे के लिए ये तरीका ठीक है मेरे को लग रहा है, जो और जो भी अपने भाई है इधर क्या लगता है इम्तियाज भाई? जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसके सामने आपके सामने पूरा चार्ट आ गया, क्या है क्या मूविंग एवरेज, क्या डे लो हाई है, क्या है, ये सामने इसकी हिस्ट्री आ गई पूरी ऐसे। और एक बार बता सकते हैं आप फिर शुरू से कैसे करूं? हाँ कोई बात नहीं, ये ट्रेंड लाइन की वेबसाइट है, ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे आना है trendline.com, उस पर मार्केट पे आपको क्लिक करना है, मार्केट भी बता दो। हाँ बता दो, अभी आपके सामने आ गया इंडाइसेस सेक्टर इंडस्ट्री डैशबोर्ड, उस पर व्यू डैशबोर्ड पे आपको आना है। ये देखिए अपने यासर भाई बता रहे हैं, उस पर क्लिक किए, ऊपर आप देखोगे तो इंडाइसेस सेक्टर इंडस्ट्री सब आपके सामने, आपको जो सेक्टर जो इंडस्ट्री देखना आप देख सकते हैं। ऐसे जनरल पे आ गया, अंदर इसमें गए तो फिर अंदर और आएंगे स्टॉक्स इसमें, अंदर फिलहाल इसमें कौन सा भागा है कौन सा कम भागा है, 5% वाले उठाने यहाँ से उठा लो। देखो अच्छा ही लग रहा है चार्टिस का भी, ये जो भी है सही है, बहुत फटाफट काम हो रहा है भाई ये तो, माशाल्लाह सही है। अच्छा लेकिन इम्तियाज भाई यार आप पेड वर्जन लेते हैं सबका, मेरे को तो सही है माशाल्लाह भाई, कमारे मतलब ऐसा लग रहा है। सीखे भाई एकदम, ये चीजें रास आती है। नहीं यासर भाई माशाल्लाह कमाना तो दो नंबर की बात है, पहले मैं काफी वक्त तक मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास स्टॉक गेज का भी ट्रेड वर्जन था, फिर वो अच्छा। खत्म हुआ तो फिर मैं ट्रेड लाइन किया, ट्रेड लाइन अभी कंटिन्यू चल रहा है और माशाल्लाह उसके अंदर ना बैक टेस्टिंग वेस्टिंग डाटा बहुत अच्छा मिलता है ट्रेडिंग व्यू में, और वो जो आपने बताए थे ना वो सुपर स्टार को फॉलो करना है वो सबको देख रहा हूँ, बल्क डील ब्लॉक डील भी देख रहा हूँ, प्रमोटर की बाइंग ये सब मेरे पास काफी उसको ट्रैक करने का इसके अंदर डाटा मिल जाता है। और एक तो फायदा ये है ना कि जैसे स्टॉक एज के अंदर जैसे डाउनलोड कर लेते हैं यासर भाई और लिस्ट अपने को भेज देते हैं तो वैसे ही ट्रेडिंग व्यू में भी डाउनलोड हो जाता है तुरंत, ट्रेंड लाइन में ओपन हो जाता है, उसके अंदर भी ओपन हो जाता है तो हम लोगों को स्टॉक शॉर्ट होके मिल जाता है। जैसे इसके अंदर स्कैनर बनाते हैं ना ट्रेड लाइन के अंदर, स्कैनर अगर कभी बनाए ना और स्कैनर पेड वर्जन रहा तो उसको मैं अगर टिक मार कर बुक मार करके रख लिया ना तो जैसे ही स्कैनर के अंदर वो आ गया कोई स्टॉक तो बराबर हम लोगों को ईमेल के जरिए वो पता चल जाता है कि वो स्कैनर के अंदर ये इसमें अलर्ट। हाँ बराबर सही बोल रहे आप, पेड वर्जन में अलर्ट फैसिलिटी है, ऐसा मैनुअली जाके अपने को चेक नहीं करना है कि आज किसने क्या खरीदा क्या बेचा या क्या चल रहा है। सही बोल रहे, पेड वर्जन में वो फैसिलिटी अपने को मैसेज या जो भी बोलो ईमेल वो पता चल जाएगा उससे। सही बोल रहे हो, फैसिलिटी भी तो है। मैं तो बोल रहा था बारी भाई को, बारी भाई ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, वो लास्ट टाइम कुछ आया हुआ था 50% 70% डिस्काउंट पे था वो ट्रेडिंग ट्रेड लाइन। वो कितने का था मेरे ख्याल से 2000 के अंदर भी हो गया था वो उस टाइम। बराबर, ये जो पेड वर्जन है इसमें खाली बेनिफिट ये है कि अपने को अलर्ट्स मिल रहे हैं ना कि कुछ और भी है? नहीं अलर्ट्स है, डाउनलोड्स है, नहीं अलर्ट है डाउनलोड है, नहीं नहीं और सुपरस्टार की एंट्री मतलब जो अपने इन्वेस्टर जो दिए ना मैंने लिस्ट दिया, अब उसपे कैसे है आपको जाके चेक करना पड़ेगा वो जुपिटर वाले ने क्या खरीदा क्या बेचा वो, ये उससे क्या अलर्ट आ जाएगा रात में 8 बजे इसने ये खरीदा या इसने इतना माल बेच दिया, सोसाइटी जर्नल ने आज ये खरीदा या आज ये बेच दिया। अगर आज के दिन बाइंग किए ना तो शाम में रात में मुझको मेल के जरिए मिल जाता है किसमें एंट्री बैठे हुए। हाँ बस ये बस मतलब ये एक फैसिलिटी जो ट्रेडिंग वाला है उनके लिए है, मतलब ये फैसिलिटी मैंने तो कभी लिया नहीं पेड वर्जन, लेकिन ये फैसिलिटी है। सही बोलते 2000 कब के निकल जाएंगे, मतलब एक ट्रेड में निकल जाएंगे 2000? जी बहुत ये बात अच्छा तो है। अभी वो मेरे ख्याल से ना अभी 15 अगस्त पे आप लोग नजर रखिए,
इम्तियाज भाई क्या नजर रखने की जरूरत है, आप बता देंगे ये खरीदा ये बेचा बस उठा लेंगे। यासर भाई मैं आपको बोलूँ ना, आपने ही वो मुझको सही तरीके से गाइडेंस दिया है कि वो ऐसे ट्रेड मतलब ऐसे ट्रेड मतलब ट्रैक करना चाहिए सुपरस्टार को। नहीं बराबर है भाई, सही बोल रहे आप, लेकिन गाइडेंस वगैरह तो चलो भाई वो तो छोटा सा इल्म था, वो बांट दिया, इल्म बांटने से बढ़ता भी यासर भाई ने बोले, लेकिन भाई मेन प्लेयर तो आप बताओ तो सही क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे। एक्चुअल में ना वही तो प्रॉब्लम हो जाता है अपना, कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल होता है ना, तो वो ईमेल दो दो दिन देखने में नहीं आता, देखने के बाद पछतावा होता है कितना अच्छा स्टॉक अपने हाथ से निकल गया। हाँ यासर भाई आप, यासर भाई आप चार्ट देख रहे, ऐसा लाइन वाइन बना के ऐसा उड़ा के लाइन वाइन मार के भेज रहे, मेन प्लेयर तो इम्तियाज भाई है, बता देंगे भाई ये खरीदा ये बेचा अपन वही उठाएंगे। देखो मेल आया है ना, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ एफ आई आई डी आई आई की एंट्री कहाँ हुई है, देखो एक मिनट में मेल कर रहा हूँ। अच्छा ज्यादा टाइम हो गया यासर भाई, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ मैं ताकि ज्यादा लोगों का टाइम नहीं जाए, एक और मैं छोटी सी चीज भेज रहा हूँ, जरा वो भी देख लो, क्योंकि क्या बेचारे सब भाई लोग को जाने का भी रहेगा, अपना ज्यादा टाइम हो गया है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। एक और चीज मैं भेज रहा हूँ, वो एक मिनट ग्रुप में ही डाल रहा हूँ। अच्छा ये डैशबोर्ड आप खोलो जो मैं अभी लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप में, ये इसको खोलिए। अरे यार फिर से ये 2 मिनट लगेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, देख लो ये लास्ट बता दे, 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। 2 मिनट बस, यहाँ यूपीएस लगा है, स्टेबलाइजर लगा है, उसके बाद भी देखो कैसा मामला है, कौन से गांव खेल रहे हैं। लैपटॉप है क्या यासर भाई? लैपटॉप है, पीसी है, पीसी है। ओवरहीट तो नहीं हो रहा है? अरे अभी तो शुरू किए थे आज मीटिंग के लिए कई दिनों बाद। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, यूपीएस लगे हुआ है, स्टेबिलाईजर लगे हुआ है और इन्वर्टर भी है घर में, और क्या करना है इसके अलावा। नहीं सही बात है। अच्छा ये आपका इधर तो यार क्या बोलेंगे, छावनी के बाजू में टी पॉइंट आता है उधर ही है ना आपका घर, आप बताए? नहीं नहीं वो छावनी के पास वाला जी। अच्छा दूसरा है क्या टी पॉइंट? हाँ अच्छा वो अलग है। अच्छा जी यासर भाई वो टी पॉइंट अलग है औरंगाबाद में हो अभी? जी जी जी। तो अभी आप औरंगाबाद में हो? हाँ भैया। तो अभी बॉम्बे जो गए थे तो वापस रिटर्न बैक टू पवेलियन? बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन। मुझे लगा था अभी भी बॉम्बे में हो। औरंगाबाद से लोगे कल इम्तियाज भाई? हेलो यासर। अच्छा इम्तियाज भाई ये मनी कंट्रोल और इसमें ट्रेंड लाइन में क्या फर्क है? मनी कंट्रोल तो ट्रेंड लाइन से ही डेटा लेता है ना ऑलमोस्ट? मनी कंट्रोल तो मैं ज्यादा यूज नहीं किया हूँ, लेकिन वो भी बोलते हैं बहुत अच्छा है मनी कंट्रोल भी। हाँ। मनी कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, बहुत प्राइस डिफरेंस आप देखो ना तो 100 रुपए में पूरे साल भर का वो दे देता है मनी कंट्रोल, और वही पर शायद ट्रेंड लाइन 2-2.5 हजार रुपए कुछ है एक साल का, राइट? नहीं नहीं बहुत फर्क है मेरे भाई मनी कंट्रोल, देखो मैंने किसी का भी मैंने हाँ वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, देखो मैंने कभी किसी का भी पेड वर्जन, हाँ सही बोल दो वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, लिया नहीं है। मनी कंट्रोल आपको न्यूज के हिसाब से बता देगा, लेकिन अपने स्टॉक मार्केट में न्यूज पे गेम नहीं चलता है, आज न्यूज है स्टॉक बढ़ जाएगा, कल नहीं बढ़ा और आप बैठे रह गए तो आप लॉस में आ जाएंगे। मेन चलता है प्राइस एक्शन, जैसे अब यासर भाई ने बोले प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो सब सही रहेगा मेरे को लग रहा है। तो ये सब चीजें किसने क्या खरीदा क्या बेचा ये मनी कंट्रोल नहीं बताएगा, ये अपने को पूरा डेटा यही अच्छा देगा, ट्रेंड लाइन और स्टॉकेज दोनों सेम ही है, ट्रेंड लाइन स्टॉकेज और ये डेटा सही देगा। अच्छा हाँ यासर भाई लिंक खोलो। खोला भाई लिंक खोलेंगे ना? हाँ काफी बड़ा है, इसमें मैं जो चीज बता रहा हूँ इसमें मैंने आपका समझ लो एक स्कैनर डाला प्रो गैप वाला, कोई अपने कैप्सूल स्ट्रेटजी के डॉक्टर नईम का स्कैनर है, मेरा खुद का स्कैनर है यासर आर एस आई करके बॉलिंगर बैन करके। अब इसमें अगर आप देखोगे इसको मैं हाँ रिफ्रेश किया आपने, अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे अपने सेक्टर सेक्टर की बात चल रही है ठीक है, तो नीचे एक राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, सॉरी राइट साइड में नीचे एकदम डाउन में आप आओगे सेक्टर विथ राइजिंग वॉल्यूम करके आपको दिखा रहा है एकदम डाउन साइड में। हाँ हाँ दिखा राइट साइड में ठीक है, एक तो ये है। अच्छा दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मैं टुडे लेफ्ट साइड में बीच में ही बीच में बना है टुडे सेक्टोरियल व्यू, टुडे सेक्टोरियल व्यू, ये दो चीज दोनों चीज पे मैं बताता हूँ क्या है, दोनों दिख रहा है आप लोगों को?
अच्छा उसमें अभी अगर आप देखोगे, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, नीचे सेक्टर विद राइजिंग वॉल्यूम है उस पे आओ, उसमें टेलीकॉम आज बड़ा हुआ है, तो टेलीकॉम पे आके क्लिक करो। क्लिक किया आपने, अच्छा क्लिक करने के बाद थोड़ा सी ऊपर जाओ, अभी आप थोड़ा सी ऊपर की तरफ, एक मिनट स्लो थोड़ा ऊपर। हाँ अभी एग्जांपल देखो स्टॉक अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि जो भी टेलीकॉम सेक्टर आज बड़ा हुआ है या भाग रहा है, उसमें जो स्टॉक चल रहे, ये उसका चार्ट आ गया तुम्हारे सामने फिल्टर होके, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर लगभग, जो टेलीकॉम सेक्टर जो अपना स्टॉक मार्केट में पड़ा, ये पूरा चार्ट उसका है समझ लो। हो सकता है इसमें इधर उधर कुछ दूसरे भी रहेंगे स्टॉक, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं वो इसमें दिख रहे। ऊपर जाओ, एक मिनट, ये छोड़ दो, ये अलग अलग चीजें मैंने बनाया था, तो ये वो चीजें है। अभी वापस ये पेज को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश F5 करो ना, रिफ्रेश हो जाएगा वो, F5 करो। हाँ ये रिफ्रेश हो गया प्लीज, बराबर। अभी राइट साइड में आप जो मैंने बताया आपको, ये वाला क्या बोलेंगे इसको, टुडे सेक्टोरियल व्यू करके, हाँ टुडे सेक्टोरियल व्यू, एरोस्पेस डिफेंस वो ऐसा दिखा रहा है अभी आपको, बीच में टुडे सेक्टोरियल व्यू में नीचे आना, एरोस्पेस। हाँ बराबर है, बराबर है, इसमें उनके हिसाब से एरोस्पेस चल रहा है, इस पर क्लिक करो आप। अभी एरोस्पेस के हिसाब से जो भी स्टॉक दिखेंगे, मिधानी बोल दो, कुछ बोल दो, जो चल रहे हैं, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये वो आपके सामने आ गए। एग्जाम्पल अभी मिधानी था, तो मिधानी खोल दो जरा चार्ट पे, एग्जाम्पल एक दो मिनट जाएगा फिर उसके बाद बंद करते अपन। मिधानी चार्ट पे खोल दो आप, ट्रेडिंग व्यू पे मिधानी, मिश्रा धातु मतलब मिधानी, इसमें है, इसमें था, तो ये जो मैं बनाया इसको ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ कौन सा सेक्टर चल रहा है नहीं चल रहा है। अब वो सेक्टर में भी कौन से स्टॉक है मेरे सामने आ गए, अब चार्ट में देखेंगे अपन क्या। हाँ ये पांच मिनट डेटा डिले आता है, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से ये चल रहा है, ये मैं इसको उसको थोड़ा फॉलो करता हूँ मैं। अब इसमें मैंने क्या किया है, बराबर है, अच्छा इसमें मैंने मल्टीपल चीजें क्यों मिलाया मालूम है, अगर एक स्टॉक का नाम चार जगह दिख रहा है, उसका आरएसआई भी पॉजिटिव, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, स्टॉक अपॉर्चुनिटी में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चार जगह, चार एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चार इसमें आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको, चार्टिंग के स्कैनर में, मतलब वो सब जगह से पॉजिटिव है, उसको हमको उठाना चाहिए। आप समझे बात, आपके स्कैनर में भी आया, एग्जाम्पल में दे रहा है, ये स्कैनर वो स्कैनर सब में आया, मतलब वो चीज पॉजिटिव है, उसको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने को। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्या बात, ऐसा है, सही है भाई, देखो एकदम निकल के आ रही है। हाँ तो अभी मतलब अभी तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, सप्लाई जोन डिमांड जोन, अब तुम बोलेंगे भाई ये सप्लाई जोन पे है, ये फूटा तो वहां से छूट हो जाएगा, सीधी बात, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ये सब चीजें अपने सामने आ गई। अब मालूम पड़ा ये मेरे हिसाब से सप्लाई जोन पे ही है, ये सप्लाई जोन अभी यासर भाई ड्रॉ करेंगे, अगर वो सप्लाई जोन कल परसों तरसों मंडे ट्यूसडे तोड़ देगा तो भाग जाएगा वहां से भी, बिल्कुल बराबर, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं, सप्लाई पे जो निकल लिए होंगे वो मिल जाएंगे। हाँ बराबर है, बराबर है, हाँ वैसे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल दिया, बराबर है। अब इसमें क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब क्या है, उधर एक बना है, मतलब इसमें धीरे धीरे कैंडल बाय कैंडल डे बाय डे वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा एग्जांपल, भाई मेहनत का बड़ा मैदान ही है इसमें, खत्म नहीं भाई ये। हाँ तो ये वो चीजें है, अभी मालूम पड़ा वही सेक्टर के चार पांच स्टॉक आ गए, उस पर ध्यान देने का, जो मिला वो उठा के देखने का, और एक स्टॉक अगर चार पांच इसमें आ गया चार्टिंग के स्कैनर में, मतलब उस पर ध्यान दो, वो ध्यान दो मतलब उठाओ डायरेक्ट नहीं, ध्यान दो ऐसा नॉलेज वाले बस... इंसान को चीजें मिल गई कहीं से, तो फिर वो उसकी नॉलेज भी मर्ज हो जाती है, मेरे को पारस क्या निकल के जा रहा है भाई। हाँ बराबर है, वैसे ये भाई सब ब्रेक, अब देखो बस अभी देखो जैसे ये ब्रेक करेगा मैं तो बोलूंगा ये तो 10% आराम से दे देगा, वो शूट कर देगा, इतना पूरा वॉल्यूम लेके जा रहा है ना यहाँ से इतना। हाँ वही ना, और धीरे धीरे दो तीन दिन का वॉल्यूम भी देख लो, सही है भाई ये स्टॉक तो सही है ऐसा, तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, सबके मर्ज करके क्लब करके ऐसा है,
सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। ये भी दिखा रहा है इसमें 5 मिनट वॉल्यूम इंक्रीज। हाँ, 5 मिनट में वो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक में वॉल्यूम आया वो भी आता है, ये वो भी चीज है, बराबर है, ये भी रखा हूं मैंने कि अभी 5 मिनट की कैंडल लिखना है इसकी, ये स्टॉक की आप। अब वो इंक्रीज मतलब नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव भी, क्योंकि वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वैसी चीज है, अच्छी चीज है, किसी को मिल गया कोई इस पे काम कर लिया तो ये बेटर है, मैं तो बोलूंगा। सही बात है, मिदानी भी आ गए इसमें, बराबर सब अच्छे अच्छे आ रहे भाई। हाँ मालूम है भाई, मैं खुद काम नहीं करता क्या, आप जैसे बोले ना इम्तियाज, मैंने मसरूफियत इतनी है, लेकिन बहुत रिसर्च किया उसके बाद मैंने इसको बना के रखा हूँ मेरे हिसाब से। जो फुल टाइम ट्रेडर रहते ना यासर भाई, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, एकदम बाजू में लगा के रखे स्क्रीन के ऊपर लगा के रखे और रिफ्रेश करते रहने का, उसके अंदर ऑटो रिफ्रेश है, ऑटो रिफ्रेश है, चार्टिंग टू डायरेक्ट स्क्रीनर है, बहुत ढेर सारी चीज उसके अंदर है, बहुत ढेर सारी स्टॉक्स में एंट्री बनाए, 1-2% तो मिलना ही है ना, मिल के निकल। अरे आराम से भाई, हाँ और क्या, मिलना तो है ही, सुबह आओ 10-15 मिनट जाता, 9:30 बजे देखो मार्केट को कूल ऑफ होने दो, उसके बाद देखो 15 मिनट तो कूल ऑफ नहीं होता मार्केट, नीचे ऊपर होता है, ऐसा है। कैसा लगा स्कैनर भाई, जरा रिसर्च करना आप लोग भी बताना, बहुत मतलब काम करने के लिए बहुत आसानी है, देखा जाए तो बहुत आसान है। हाँ चीजें अपनी इधर उधर घूम घूम के निकालते हो सब, उससे अच्छी चीजें यहाँ पर सामने के सामने, बस ये है, ये मेरा स्कैनर है स्पेशली। एक बात है यासर भाई, जैसे ये जो चार्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है ऐप है, इसके अंदर ना सबसे चीज ऐसी है कि अपने क्राइटेरिया डाल दो, जो क्राइटेरिया अपने को मीट हुआ वही स्टॉक को क्या होता है फिल्टर आउट करके दे देता है, तो अपने को ढेर सारे स्टॉक को सर्च करके ढूंढ के निकालना उससे बेहतर है, उसके ऊपर ही काम करो, आपको पूरा ट्रैक करने की जरूरत नहीं, चाहे सेक्टर हो चाहे स्टॉक हो, जो क्राइटेरिया डालो वो बना लो, वो लिस्ट बन के आ गया, बस उसको देखो आप, क्योंकि अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पास है नहीं इतना ढेर सारा नहीं है, सही बात है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें भी फायदा है, वीसीपी पैटर्न भी है अपने यासर भाई को मालूम रहेगा, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, अब उसमें कैसे एक बार ब्रेक किया तो भाग जाता है स्टॉक, ये स्कैनर में ही है चार्टिंग के मेरे डैशबोर्ड में, तो ये सब चीजें अगर कोई अच्छे से कर लिया ना, इसमें राइट साइड में आपको वीसीपी पैटर्न मिलेगा, राइट साइड में बार ग्राफ जैसा, अरे राउंड बार ग्राफ जैसा राइट साइड में, ये देखो अभी एग्जांपल कौन सा स्टॉक है, ये जेनटेक, तो जेनटेक में वीसीपी पैटर्न बनता रहेगा, मतलब उसमें क्या बोलेंगे स्क्वीज हो रहा रहेगा, धीरे धीरे कैंडल छोटी छोटी फॉर्म हो रही रहेगी, एक ही बार फट जाएगा जेनटेक अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये पैटर्न भी उसने बता दिया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भाई ये फटने वाला, ये जेनटेक ये वो पैटर्न है, सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है ये जो आप बोल रहे ना, हाँ वीसीपी ना कंप्रेस होने की, बराबर है, ये देखो धीरे धीरे छोटी 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 कैंडल जो भी आप इसमें लोग फ्लैग पोल और ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल सब बना के और बोलेंगे भाई ये हो गया ब्रेकआउट, बस इसके डेली टाइम फ्रेम पे है ना यासर भाई। हाँ हाँ डेली डेली है ना शायद, हाँ डेली है, नहीं 15 मिनट पे देख रहे, 15 मिनट पे लगाया है, डेली पे देखिए डेली पे कुछ और रहेगा क्योंकि अपन टाइम फ्रेम सब करेंगे पूरा मामला, आई थिंक सो। अभी इसको रिफ्रेश करो, FI कर दो, रिफ्रेश करो तो ऑटोमेटिकली वापस ही रिफ्रेश हो जाएगा, फिर जो सेक्टर का चाहिए वापस वो सेक्टर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वही सेक्टर दिखाएगा, ऐसा है, अब जो सेक्टर का चाहिए उस पर क्लिक करो तो वही सेक्टर दिखाएगा, ऐसा है, डे ट्रेडर बोल के आ रही है अभी। हाँ डे ट्रेड अभी HFCL VCP पैटर्न बना रहा है, जैसे ही 112-115 क्रॉस करेगा मैंने उसका चार्ट भी डाला है, भाग जाएगा वो एग्जांपल, तो ये इस पे स्टडी करो चाहिए आप लोग। बिल्कुल हाँ बराबर है, ये वैसी इस पे स्टडी करो, वही मैं बोल रहा हूँ, इस पे स्टडी होगी तो भाई बहुत सही रहेगा। मैंने तो आज क्या किया मालूम है आपको यासर भाई, अभी कितनी बार होता है ना काम में रहते हैं तो अपने से ट्रेड मिस होते हैं, मतलब मान लो कि अभी एग्जांपल आप बोलेंगे EMS इतने पे आएंगे तो लूंगा, उतने पे आएंगे तो लूंगा, अलर्ट लगाने के बाद भी आप ले नहीं पाते रहोगे, अरे भाई मिस हो गया, बॉस ने बुलाया, वॉशरूम में था, एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी रहेगा काम। तो मैंने क्या किया आज, मैंने देखा कि भाई अगर ये उषा मार्टिन चार्ट खोलो, अगर मैंने बोला अगर ये 385-386 क्रॉस करेगा वहां तक ब्रीच किया तो ये भागना चाहिए,
मैंने क्या किया, इसको जीटीटी ऑर्डर लगा दिया बाय का कल रात में सोते सोते, और सो गया। सुबह में ऑफिस जा रहा था, बाइक पे बैठा, देखा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट सुबह में पहली कैंडल में, एक सवा नौ के आसपास की कैंडल। उसके बाद ऑफिस पहुंचा तो नीचे देखा तो 377 पे कुछ चल रहा था वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है देने देते, लेकिन इस पे कन्वेक्शन था और इसमें बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बाइंग की है इसमें, उषा मार्टिन में। तो मेरे को कन्वेक्शन था, चलो आज गिरा भी तो टेंशन नहीं, आज तो 5 दिन बाद ऊपर ही आ जाएगा और ब्रेकआउट देगा मजबूत वाला, ये कन्विक्शन पे लिया था मैंने। देखा तो आज ही ब्रेकआउट दे दिया, और सच्ची में जीटीटी ऑर्डर लगा था, अल्लाह का भाई कल रात में ही लगाया, आज एग्जीक्यूट हुआ जीटीटी ऑर्डर, और ऑटोमेटिकली बाय हो गया और चल रहा है अभी। तो बोला मैंने आपको प्रॉफिट ऐसा है, तो मैं अभी ऐसी ही ढूंढता हूँ। एग्जाम्पल HFCL का भी मैंने प्राइस अलर्ट लगाया है, क्योंकि अब फुल्ली वो हूँ, इन्वेस्टेड हूँ, जैसी HFCL तोड़ेगा कुछ दूसरा बेच के वो उठा लूंगा। ऐसा है, तो ये सब चीजें है, इस पे अगर काम करोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे और सही रहेगा, और जो ये डैशबोर्ड पे भी काम कर लोगे कोई एक चीज पे भी, तो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ऐसा है, बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जिसको जो पसंद आ रहा है जैसा तरीके से काम कर। हाँ हाँ वैसी वैसी बहुत सारी चीजें एक साथ ही दिख रही है इसमें। मैंने सब क्लब किया है, सबके जो अच्छा, आपका भी इसके अंदर है प्रो गैप वाला, जो मेरे को जिसका अच्छा लगा वो मैंने ऐड करके रखा हूँ। मतलब एग्जांपल कुछ स्कैनर मान लो, एग्जांपल आईटी का स्कैनर भी आपके प्रो गैप में आ रहा रहेगा, फिल्टर होके आ जाता हो वो सेक्टर पे, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाता हूँ। चलो यासर भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आज आपने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सब लोग आराम करो, रिकॉर्डिंग अगर होती है तो डाल देता हूं कल तक, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बहुत 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 शुक्रिया यासर भाई आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम दिए। अरे नहीं नहीं यार, कीमती कीमती चीजें भाई मिल रही है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत मेहनत। सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत काम की शेयर किया आपने। यार भाई बीच में टाइम निकालो ना, कम से कम तो भी एक एक सेशन वीक में, कोई दो वीक में, काफी वक्त हो जाता है, अपना सेशन होता नहीं है। नहीं नहीं इंशाल्लाह करेंगे, हर हफ्ते का करेंगे इंशाल्लाह।